ने किया अभी कौन सा सम तक किया सर अपने? फोर्थ बराबर है। ओके चलो, कुछ चीजें विद रिगार्ड्स टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आप लोग के लिए नेसेसरी है, जो अपने पोर्टफोलियो के पहले दूसरे लेक्चर में ही हो जाता है बेसिक्स में, वो मैं रीट्रेट कर रहा हूँ। हम लोग पोर्टफोलियो में निकालते थे रिटर्न्स, दैट इज मीन एक्स बार समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डिविएशन अपन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। आई वॉन्ट फॉर्मूला, बोलो एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, उसका समेशन, उसका एवरेज और उसका स्क्वायर रूट। बराबर, अभी भूलेगा नहीं ये सब चीज, ठीक है? ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, बट विदाउट प्रोबेबिलिटी वाला। विथ प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे एक्सपेक्टेड वाला रहता है वहां पे अपन एक्स बार और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे। एक्स बार है एक्स इंटू पी का समेशन, और इधर एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी, ये पूरे का समेशन एवरेज। नहीं बराबर, समेशन समेशन होगा यस, लेकिन स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टोटल इज 1। बराबर एवरीवन, ठीक है? ये आपने किया, ये आपने किया था मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। लेकिन अपन जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो की कुछ चीजें अपने को चाहिए, उसमें पोर्टफोलियो की रिस्क की प्रॉपर्टी, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपन निकालने जाते हैं व्हेन कोरिलेशन इज +1 -1 और 0। तब आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है सर? ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बराबर है, राइट? इतना चीज, ये यहां तक चीज नेसेसरी। और दूसरा भी आपने थियोरी ऑफ डोमिनेंस से सीवी निकाला, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। बराबर, ये होना चाहिए लोअर, ये जितना ज्यादा होगा उतना पोर्टफोलियो रिस्की, ठीक है? फिलहाल इतनी चीजों की जरूरत है, और बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन देख लेंगे। ये इतना बेसिक चाहिए अपने को, और कुछ नहीं। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राइट? फिफ्थ वाला ना? ओके, एक्स वाई जेड इज इवेल्युएटिंग टू इक्वल साइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सर दोनों में से कोई भी एक को सिलेक्ट करेंगे, और अंटिल नेट नॉट सेड दो अगर प्रोजेक्ट है तो हर बार इट इज बाय डिफॉल्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, ए एंड बी फॉर विच रिस्पेक्टिव कैश फ्लोस टुगेदर विद एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज आर एज फॉलोस। अब आपको प्रोजेक्ट ए एक्स में ले लेता हूं पहले। प्रोजेक्ट एक्स के आपको कैश फ्लोस दिए हुए हैं सर, कितने साल के कैश फ्लो दिए हुए हैं उधर? एक ही साल का कैश फ्लो और तीन डिफरेंट आउटकम हो सकते हैं। बराबर है, राइट? तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज मेरे को 0.3, 0.4 और 0.3। तो हम लोग निकालते इसके जरिए ये कैश फ्लोज प्रोबेबिलिटी वाले। जब अपन इसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं तो इसको अपन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बोलेंगे। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर की तरह ही है, ये भी कुछ प्रोबेबिलिटी दे रहा है अपने को कि ये कितना हो सकता है इसका। ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है अपने को पता है, लेकिन अपन तीनों को वेटेड एवरेज देखते कि 20,000, 2,000 आने का चांस 30%, तो आई विल डू कितना, ये कितना हो जाएगा सर? 600, फिर 1600 और फिर 1800। ये सबको एम प्लस में डालूंगा तो सबका मेरे को एवरेज मिलेगा। लेकिन अपना स्टूडेंट एक चीज याद रखेगा, ये वाला कॉलम नको, याद है? याद है, याद है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये करने पे जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो गलती से वो ले लोगे, समझ रहा है? ये था एक्स, ये है पी,
समेशन एक्स इंटू पी चाहिए आपको तो इधर ही निकाल लेना, उसका कॉलम मत बनाना वरना आप गड़बड़ कर सकते हो. सो इसका वेटेड एवरेज करो कितना होता है जरा. 4000 एवरीवन. ओके. अब वैसे ही प्रोजेक्ट बी जो दिया है उसके कितने साल के कैश फ्लो है सर? 1 2 3 4 5 एक साल का कैश फ्लो है, 5 डिफरेंट इवेंट. नीचे दिया हुआ है फाइंड आउट द रिस्क ऑफ प्रपोजल इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कहीं पे आपको डिस्काउंटिंग रेट दिया है. डिस्काउंटिंग रेट सर, डिस्काउंटिंग रेट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 21 साल के कैश फ्लो है, मल्टीपल ईयर के नहीं. बराबर एवरीवन, राइट? सो अब मेरे को रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालने बोला है सर. सो मैं सामने प्रोजेक्ट वाई भी देख लेता हूं. प्रोजेक्ट वाई के उन्होंने मेरे को जो कैश फ्लोज दिए हुए है उसमें मेरे को कितना, 5 कैश फ्लोज दिए हुए ना. 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दी हुई है 0.1 राइट. तो इधर से मेरे को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएगा सर, जिसके लिए आप हो सके तो कॉलम मत बनाओ, इसी में यहां पे बना लो एक्स इंटू पी का समेशन 5400. अब उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोला है तो मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान देना पब्लिक. एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी इसका कॉलम बनाऊंगा समेशन का. बराबर एवरीवन, राइट? तो आप क्या करोगे सर, अच्छे से सुनना. 2000 माइनस 4000 जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर इंटू 0.3 इधर मेरे को बताओगे और एम प्लस में लिखोगे. कितना? 2000 का स्क्वायर 40 मिलियन इंटू 0.3 12 लाख एम प्लस. बराबर है ये 0 और ये वापस 12 लाख. बराबर ना? सो ये आपके पास वरायंस आया 24 लाख का, आप उसका स्क्वायर रूट मार दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 1549 एवरीवन, राइट? सिमिलरली इधर भी मैं करूंगा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी ये पूरे का समेशन एवरीवन. सो मैं करूंगा 1000 माइनस 5400 द होल स्क्वायर इंटू 0.1 इधर आंसर बताओ एम प्लस में डालो 19 36000 एम प्लस 5,76,000 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद ना. हाँ, फिर 400 64,000 0.4 के साथ. हाँ, 1600 7,68,000 12,96,000 और उसका स्क्वायर रूट मार दो 2154 एवरीवन. सो अभी देखोगे दोनों का मीन अलग है, दोनों का रिस्क भी अलग है. सो अभी आप देखोगे तो इसका मीन कम है तो रिस्क भी कम है, इसका मीन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है. जब ऐसा सिचुएशन होता है इसीलिए अपन क्या करते हैं सर, इसीलिए अपन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं, दैट इज सीवी. तो सीवी क्या कंसिडर करेगा, आपका रिस्क अपॉन रिटर्न. तो यहाँ पे रिस्क कितना है सर, 1549 अपॉन 4000 और यहाँ पे है 2154 अपॉन 5400. बराबर है? तो यह आएगा पॉइंट, चार डेसिमल बोलो ना, 3872 और इधर 3988. सीवी ज्यादा होना मतलब हायर रिस्क या लो रिस्क, कैसे याद रखोगे? एक रुपए के रिटर्न के लिए कितना रिस्क, एक रुपए के रिटर्न के लिए कितना रिस्क, जितना कम उतना बेटर. सो मैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट एक्स विल बी सिलेक्टेड एज इट हैज लोअर रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. बराबर है एवरीवन? ऐसे अभी से अपने को प्रोजेक्ट में ये इंक्लूड करने का है रिस्क और रिटर्न. बराबर है? यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, प्रोबेबिलिटी वाला यूज किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का. जहां पे मैंने मीन कैसे निकाला, एक्स इंटू पी का समेशन किया.
और x माइनस एक्स बार, ये जो x है आपका 2000, माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी किया हर बार, और फिर उसका समेशन किया और उसका स्क्वायर रूट मार डाला। बराबर पब्लिक, ये सिर्फ स्टेप वन है, ये इतना मिनिमम पूछेंगे अपने को, जो अल्टीमेटली जो चीज करना है ना वो शायद 2-3 साल बाद आएगा। सो अभी व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम यू ऑल इज दैट, इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दिख रहा है आपको वहां पे, वहां पे आपको एनपीवी दिया हुआ है, कैश फ्लो नहीं दिया हुआ है, एनपीवी दिया हुआ है, दिख रहा है पब्लिक। सो आप वहां पे वेटेड एवरेज एनपीवी निकालोगे प्रोजेक्ट एक्स का और प्रोजेक्ट वाई का, जो उन्होंने पार्ट वन में पूछा है। फिर जरा देखो कि पार्ट टू में क्या पूछा है, कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू इट, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। और पार्ट थ्री में पूछा है विच प्रोजेक्ट वुड यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई, वो कैसे पता चलेगा, सीवी से। बराबर है, उसके बाद वाला जो पार्ट है कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई इज व्हाट, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, वो निकालोगे। स्टार्ट कर सकते हो एवरीवन, स्टार्ट डूइंग इट, क्वेश्चन नंबर 6। वहां पर प्रोजेक्ट एक्स और वाई है आपके पास, एनपीवीज और प्रोबेबिलिटी 3, 6, 12, 15, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, इधर एनपीवी और प्रोबेबिलिटी 3, 6, 12 पर मेरा 3, 6, 12, 15 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2। आप नोटिस करोगे तो दोनों पे एनपीवी का एस्टीमेशन सेम है, दोनों का सिर्फ प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन अलग है। x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी का समेशन, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू पी का समेशन। एनीवन विद मीन एनपीवी, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में 9000 ना, सब करोगे 3000 माइनस 9000, 6000, तो 36 मिलियन इंटू 0.1, 3,60,000, तो सॉरी 36 लाख, 36 मिलियन है, 0.1 है, तो 36 लाख। बराबर, हाँ, तो आपको सीधा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकाल लेना उधर से स्क्वायर रूट मार के, 3795। मीन आया उधर भी 9000, और आपको
स्टैंडर्ड डिविएशन आया रहेगा 4450। आपको पार्ट वन में पूछा था रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालो, पार्ट टू में रिस्क निकालो, पार्ट थ्री में पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क किसको सिलेक्ट करते सर। यहां पे सीवी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों? बाय थियरी ऑफ डोमिनेंस सेम रिटर्न है तो लोअर रिस्क वाला ले लो, दोनों का सेम रिटर्न है तो लोअर रिस्क वाला ले लो। तो अपन प्रोजेक्ट एक्स को सिलेक्ट करेंगे, सो अपन पार्ट थ्री में, पार्ट थ्री में अपन ऑलरेडी लिख देंगे प्रोजेक्ट एक्स विल बी सिलेक्टेड, क्यों? क्योंकि इट हैज एट द सेम यूनिट ऑफ रिटर्न इट हैज लोअर रिस्क। लेकिन मेरे को चाहिए कि जरा पब्लिक सीवी भी निकाल ले आपके रेफरेंस के लिए, तो आप वहां पे सीवी निकालो, सीवी सीवी। सो यहाँ पे सीवी निकाल लोगे आप तो सीवी विल बी 3795/9000.42 or 0.49 बराबर। अब इंटरेस्टिंग है पार्ट फोर जहां पे उन्होंने क्या पूछा है सर आपको पीआई। अब पीआई क्या है सर? पीआई इज नथिंग बट पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। एवरीवन आपके पास क्या है? एनपीवी है और पीवीसीओ है। पीवीसीओ कितना है ये वाले प्रोजेक्ट का? 30,000 है, तो मैं डिनोमिनेटर में तो 30,000 लिख दूंगा, पीवीसीआई नहीं है। लेकिन मेरे को पता है जब एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है 9000 तो तब आएगा जब वो पीवीसीओ से 9000 ज्यादा रहेगा, मेरा पीवीसीआई, तो मैं ऐड करूंगा तो दिस विल बी क्या 39,000 बराबर है। इधर भी कितना, इधर मेरा पीवीसीओ कितना है यहाँ पे 36,000 पे मैं 9000 ऐड करूंगा 45,000 मेरा पीवीसी आ रहेगा, डेफिनेटली 1 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे 1.30 इधर और उधर 1.25। अगर आपने रिस्क जिसका लोअर है, रिस्क जिसका लोअर है प्रोजेक्ट एक्स को सिलेक्ट किया है, तो पीआई जिसका हायर होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। पीआई के बेसिस पे भी देखोगे तो प्रोजेक्ट एक्स ही आ रहा है। अंडरस्टूड? ये सब में पीआई मैटर करता है क्योंकि एनपीवी सेम है। याद है कि एनपीवी सेम है तो पीआई पे जाने का, वरना एनपीवी ही भगवान है, उधर ही गेम ओवर हो गया। राइट एवरीवन? ठीक है, वहां पे लिखा है प्रोजेक्ट वाइज रिलेटिवली मोर रिस्कियर एज इट हैज हायर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इवन लोअर सीवी, देयरफॉर वी सिलेक्ट प्रोजेक्ट एक्स एक्स एक्स। राइट, डन पब्लिक, ओके। अभी आप जिस स्टेप तक पहुंचे हो कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बनाने का, उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन करने का, ये आपने अभी एक साल तक ही किया ना। अब आप जो प्रोजेक्ट्स में जो ईयरली कैश फ्लो ले रहे थे 1, 2, 3, 4, अब वो कैश फ्लो डायरेक्ट ना उठा के ऐसे वेटेड एवरेज वाले कैश फ्लो अपन लेंगे। मतलब कैसे? आई विल एक्सप्लेन यू ऑल। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्या करने जा रहे हैं पता है? हम लोग है ना प्रोजेक्ट को मोर रियलिस्टिक करने जा रहे हैं, मोर स्टैटिस्टिकली एक्यूरेट करने जा रहे हैं। दैट इज प्रोबेबली द बेटर वे ऑफ डूइंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, नॉट द ट्रेडिशनल वे दैट वी डिड इन बेसिक्स। बेसिक्स में आप जो कर रहे हो सही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है 100%, और उसको स्टैटिस्टिक्स के जरिए अपन एक्यूरेट करेंगे।
So everyone, question number 7. Question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप अगर आप आओगे तो वहां पे उन्होंने दिया है कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन. हाँ पढ़ो ना कुछ, वो क्या दिया. अच्छा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 50 लाख. सो मैं ये बोल सकता हूं कि ये 50 लाख इज माई पीवीसीओ. आगे. अच्छा तो 3 साल के कैश फ्लो. सर अपन लोग क्या करते थे, अपने को कैश फ्लो दिया रहता तो हम लोग 3 साल के यहाँ पे कैश फ्लो लिखते हैं, ईयर 1, 2, 3. उसके कैश फ्लो करते, उसको डिस्काउंट करते कोई तो रेट से, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पीवीसी आई में से मैं पीवीसी ओ माइनस कर देता विच वॉज 50 लैक्स एंड आई वुड हैड गॉट द रिस्पेक्टिव एनपीवी. दैट इज वॉट आई वॉज सपोज टू डू, राइट. अभी देखो क्या करने. बराबर. हाँ एवरीवन, सो क्या लिखा है वहां पे, द कंपनी विशेस टू टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स. कंपनी वांट्स टू नो द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ दिस वेंचर अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब डिस्काउंटिंग रेट किधर कितना, 6%. लेकिन वो जानना चाहते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड पीवीसीआई आएगा बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो. सो कैश फ्लो जो आने वाला है सर, वो रिस्पेक्टिवली अपने को अलग अलग साल के कैश फ्लो डायरेक्ट नहीं दिए, आपको बोला ढूंढो. तो मैं पहले करूंगा इवेल्युएशन ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर 1. उन्होंने दिया ईयर 1 में क्या सिनेरियो हो सकता है सर, ईयर 1 में उन्होंने आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, क्या क्या हो सकता है. सो उन्होंने दिया आपको 14, 18, 25 एंड 40 और इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज भी दी है. 0.3 जरा ध्यान देना पब्लिक, मैं ये पूरा फिगर नहीं लिख रहा हूं लैक्स में. एवरीवन लैक्स में पूरा फिगर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो कैल्सियम में नहीं पॉसिबल होगा जब आप वराइंस करने जाओगे तो. अंडरस्टूड एवरीवन. सो इसके लिए लैक को पूरे सिस्टम से इग्नोर कर रहा हूं. सो जरा यहां पे ध्यान देना पब्लिक, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालूंगा आफ्टर टैक्स और उसी पे वराइंस भी निकालूंगा मैं. ऐसा आप लोग करोगे फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. ये कैश फ्लो आएंगे वो आप इधर लिखोगे, बराबर. उसको डिस्काउंट करेंगे 6% पे. क्या उन्होंने डिस्काउंटिंग रेट दिया है कोई, नहीं दिया है तो आप मेरे को बताओ. और थोड़ा अपन ज्यादा ब्रॉडर लेते, 3 डेसिमल तक बताओ. 0.943890840. आप 2 डेसिमल भी ले सकते हो बट मैं सिर्फ ऐसे ही 3 डेसिमल से भी करके देख लेते. 2 डेसिमल से भी ले सको तो कोई इश्यू नहीं, राइट. क्या करने का आपको पता है ना, आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालने का है. ये पहले ईयर 1 का, फिर ईयर 2 का, ईयर 3 का, लेकिन उसके साथ आप स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेना जो आगे अपने को काम लगेगा, राइट. चलो पहुंचो यहां तक. एनीवन विद एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर 1, पहले वाले का मीन 27 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, 9. एक छोटा सा चीज, इसको वराइंस में रखो फिलहाल, बाद में अपन स्टैंडर्ड डिविजन करेंगे एक साथ. वराइंस में रखो 85.4. कोई पहुंचा है सेकेंड वाले कैश फ्लो तक, सेकेंड वाले कैश फ्लो तक.
29.3 2 6 1 year 6 2 74.29 ये लास्ट वाले का ना. सो आई विल राइट हियर व्हाट यू ऑल गिव मी 27 29.3 or 27.9. उसके बेस पे आप एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालोगे. अमाउंट दो डेसिमल में ही बोलो मेरे को. 9 7 जरा देख के और चेक करो पब्लिक आ रहा है. क्या रहा दोस्त? 2 9 जरा कर, 3 डेसिमल में कर. पहले वाले का 27 × 0.943 27.94 × 0.943 एम प्लस में डालो. 29.3 × 0.89 एम प्लस में डालो और 27.9 × 0.84 एम प्लस में. क्या रहा 74.9 97 राइट. हाँ अच्छा, -50 करूंगा तो आई गेट माय एक्सपेक्टेड एनपीवी 24.97. एवरीथिंग इज इन लैक्स. यहां तक पहुंच गए तो सबसे क्रूशियल स्टेप उसके बाद चालू करता हूं. उन्होंने आपको पार्ट वन में बोला था एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ दिस वेंचर अज्यूमिंग, हाईलाइट करो पब्लिक, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. आप हाईलाइट करोगे क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट. दूसरा बोला है द पॉसिबल डिविएशन इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड फिर उन्होंने बोला है हाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन. वो जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है कैपिटल बजटिंग में आप स्टैंडर्ड डिविजन क्यों लेते हो, ताकि आपको रिस्क भी पता चले वो सब चीज के. अब पब्लिक आपने ये जो एनपीवी निकाला ये प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड एनपीवी है, लेकिन ये तो सिर्फ रिटर्न हो गया. रिस्क कितना इसके लिए मेरे को अभी प्रोजेक्ट का रिस्क भी कंसिडर करना है. निकालने का रिस्क मतलब मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का प्रोजेक्ट का. अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का 2 फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आप एनपीवी या कैश फ्लो जो भी बोलो, जरा ध्यान देना उसका फॉर्मूला. नंबर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर 1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कैश फ्लो फॉर ईयर 2 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर 2 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन कैश फ्लो फॉर ईयर 3 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर 3 डिपेंडिंग कितने भी साल है. दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर 1 दूसरा भी ऐसा ही फॉर्मूला है, केवल मात्र ओनली
मामूली सा एक चीज में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? यहां पे मैं कर लेता हूं स्क्वेयर 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 और मैं करता हूं स्क्वेयर रूट, इधर नहीं करूंगा। मतलब जरा फॉर्मूला को अच्छे से देखो। ये क्या बताता है? कैश फ्लो पहले साल का, दूसरा और तीसरा, क्योंकि अलग अलग साल के स्टैंडर्ड डिविएशन है अलग अलग साल पे, इसके लिए उनका रिस्पेक्टिव डिस्काउंटिंग रेट भी लिया हुआ। अब स्क्वेयर क्यों किया एंड ऑल दैट थिंग, ये डिपेंड करता है वेदर द कैश फ्लोस बिटवीन ईयर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब अगर आपके कैश फ्लोस जो है, अगर आपके कैश फ्लोस जो है उनमें कोई रिलेशन नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब पहले साल के कैश फ्लो का दूसरे साल से कोई कनेक्शन ही नहीं, लेकिन कुछ कैश फ्लोज ऐसे रहते हैं जहां पे फर्स्ट ईयर में इतना आया तो सेकेंड ईयर में इतना आएगा, ऐसा सिचुएशन कहीं पे हो तो अपन क्या बोलते हैं, कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट डिपेंडेंट। सो कैश फ्लोज अगर डिपेंडेंट है तो फॉर्मूला अलग है, और कैश फ्लोज अगर इंडिपेंडेंट है तो फॉर्मूला अलग है। अब जनरली स्टूडेंट ये फॉर्मूला देख के डर जाता है, कौन सा, अपना नहीं, क्योंकि अपने स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट पता है। When cash flows are independent, मतलब between cash flows the relationship is zero. So when relationship is zero, standard deviation of portfolio is a square plus b square plus c square, whatever it is, square root. Now the only thing, ये a square किसका, cash flow का, और वो अलग अलग साल में है, इसके लिए discounting factor. समझा public? अब कैश फ्लो आर डिपेंडेंट मतलब पहले साल का कैश फ्लो आया तो दूसरे साल का आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, या तो आएगा 100% या तो 100% नहीं आएगा डिपेंडेंट में। सो डिपेंडेंट में रिलेशन क्या है उनका, वन रिलेशन वन है, आएगा फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में आएगा, और जब रिलेशन वन रहता है तो अपन स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो इज ए प्लस बी प्लस सी, रिमेंबर दिस राइट, that's how it is. If nothing given in the question, what should we assume, the cash flows are dependent or independent? If nothing given matlab ab main kya samjho, cash flow ka koi relation hai ya nahi hai? If nothing given, the default thing is we consider it as independent, azad hai wo, barabar. Ye sab mein kuch bola hai aapko, cash flow dependent hai independent hai, independent hai bola hai, नहीं भी बोला रहता तो भी मैं इंडिपेंडेंट ही कंसीडर करता। तो ये सब में अभी मैं स्टैंडर्ड डिविएशन पूछू आप लोग को, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैश फ्लो का या एनपीवी का एक ही चीज है, क्यों, क्योंकि 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 आउटफ्लो तो सर्टन ही है ना, उसमें डिविएशन नहीं है। सो मैं एनपीवी का, ये जो एनपीवी आपने निकाला उसका मैं स्टैंडर्ड डिविएशन बोलू तो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन कैश फ्लो फॉर ईयर वन इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर वन, और इंडिपेंडेंट है तो स्क्वेयर, ईयर टू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर टू स्क्वेयर, ईयर थ्री और डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर थ्री स्क्वेयर, और सबका स्क्वेयर रूट। अब अगर मैं लू यहां पे मैं लू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ कैश फ्लो फॉर ईयर वन, आप ऑलरेडी वेरिएंस लियो स्क्वेयर वाला लियो, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 85.4 into 0.943 square plus मैं करूंगा 98.62 into 0.890 का square plus मैं करूंगा क्या 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 74.29 into 0.840 का square, और फिर सबका रूट। समझ में आ रहा है पब्लिक, राइट? कैलसी में डालो, क्या करोगे पहले 0.943 का स्क्वायर करो इनटू 85.4 करो और एम प्लस में डालो, वैसे ही दूसरे में 0.89 का स्क्वायर करो इनटू 98.62 और फिर एम प्लस में, और वैसे ही तीसरे में 0.84 का स्क्वायर इनटू 74.29 फिर एम प्लस में, और एमआरसी करके स्क्वायर रूट मारना 14.37 लैक्स। समझा?
अब मैं क्लाइंट को या मेरे सर को कैसे बोल सकता हूँ जो मैं अभी तक करता था, अभी तक मैं प्रोजेक्ट में से मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके जाता तो वो क्या बोलते, क्या आ रहा है प्रोजेक्ट का एनपीवी? तो मैं बोलता था सर एनपीवी आएगा 24.97 लाख, और ये एनपीवी कम ज्यादा होने का चांस कितना? मैं बोलूंगा सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 14.37 लाख। Isn't this better than the normal NPV? That's how we all began portfolio with. Instead of giving just returns, कितना आएगा? अब मैं क्या बोलूंगा सर? Return के साथ वो return नहीं आने का, deviate होने का chance कितना? Now they have much better decision to make. समझा क्या public? Everyone. पूरे सम में आपको formula नया नहीं लगना चाहिए. देखोगे तो डर लगेगा. But वो क्या है सर? A square plus B square. का स्क्वायर रूट, अगर रिलेशन नहीं है, रिस जीरो है, मतलब रिलेशन आर जीरो है, सॉरी कोरिलेशन जीरो है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सिर्फ यहां पे रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो अलग अलग साल में है, इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर भी साथ में लेने का. अंडरस्टूड एवरीवन? यहां पे ए प्लस बी प्लस सी रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग रेट, दोनों को स्क्वायर किया, यहां पे दोनों को स्क्वायर नहीं किया. मैनेजेबल एवरीवन? अब यही चीज के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, जरा वहां पे आओ सॉल्यूशन पे एवरीवन. कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट मिला पब्लिक? सिंस द कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट आर अनसर्टन, पब्लिक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो सर्टन रहेगा क्या जॉब एस्टिमेट कर रहे हो? ऑफकोर्स नॉट. द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन ऑल्सो डिविएट फ्रॉम द एस्टिमेटेड. मतलब क्या? आप जो एनपीवी लेकर आए हो अपने मैनेजर के सामने, वो एनपीवी ही सर्टन नहीं है जब आपका कैश फ्लो सर्टन नहीं है. तो आपको देखना तो जरूरी है ना कि ये एक्सपेक्टेड एनपीवी में भी डिविएशन कितना. सो क्या लिखा है मैंने वहां पे? फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ वेरिएशन इन एनपीवी अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन हैज टू बी मेड विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन बिटवीन द कैश फ्लो ऑफ वेरियस ईयर्स. मतलब ये अलग अलग साल के जो कैश फ्लोज है ना उनमें रिलेशन कैसा है वो जानना जरूरी है. तो क्या लिखा है मैंने? दिस रिक्वायर्ड अजम्पशन इज वेदर द ईयरली कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. समझ रहा है क्या? ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ऐसा प्रोजेक्ट होता है, जरा कुछ बता सकते हो कि पहले साल में आया तो दूसरे साल में ये आएगा, पहले साल में ये हुआ तो दूसरे साल में ये होगा, ऐसा कोई सीन बता सकते हो मेरे को? सोचो सोचो सोचो, तब तक अपन ये करते हैं. इफ कैश फ्लोज फॉर एनी पीरियड अफेक्ट्स कैश फ्लो फॉर अनदर पीरियड देन दे आर सेट टू बी डिपेंडेंट कैश फ्लोज. अंडरस्टूड एवरीवन? तो वहां पे क्या लिखा है? इफ कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट, तो मैंने ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज किया है स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क का, और इंडिपेंडेंट है तो वेरिएंस वाला यूज किया हुआ है और स्क्वायर रूट. पीछे मैंने लिखा है वो जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है सर? आप हम लोग को बताओ कि आपका रिस्क का क्या महत्व है आपके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में. उन्होंने बोला है ना, हाउ वुड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प इन कैपिटल बजेटिंग डिसीजन. तो क्या लिखा है सर? स्टैंडर्ड डिविजन कैपिटल बजेटिंग डिसीजन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिस्क especially इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट विथ सिमिलर एनपीवीज. अब जहां पे एनपीवी सेम होगा दो प्रोजेक्ट के बीच में, तो अपन एक स्टेप आगे जाना कि भाई कैश फ्लो तो सेम है लेकिन रिस्क किधर ज्यादा है. तो यहाँ पे रिस्क ढूंढने के लिए अपने को स्टैंडर्ड डिविजन हेल्प करेगा. इट ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव और एनी अदर रेंज ऑफ एनपीवीज. अब अपन जाएंगे उस स्टेप पे जहां पे अपने को ये सब तो करना ही है, इसके अलावा भी कुछ करना है. वो अपने को आगे पता चलेगा किधर हेल्प करेगा. मतलब मैंने आपको बोला ना कि इतना मीन और इतना रिस्क हो सकता है, उसका चांस क्या, वो सब भी अपने को ढूंढने का है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या. तो अभी इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा, आपने जैसे अभी तक क्या किया, प्रोबेबिलिटी अप्रोच ही कर रहे हो आप, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी अप्रोच में प्रोबेबिलिटी भी ढूंढेंगे अभी अपन. समझ में आ रहा है एवरीवन? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. सो अभी ये जो आपके फॉर्मूलाज है उसमें दो फॉर्मूला मैं ऐड कर दूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैश फ्लो वेद इफ दे आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो, और वो डिपेंडेंट है तो. इंडिपेंडेंट का इंफॉर्मेशन नहीं हो तो भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का होना जरूरी है. सो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सर? कैश फ्लो ईयर वन इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर वन का स्क्वायर, ईयर टू का डिस्काउंटिंग फैक्टर का पब्लिक स्क्वायर, राइट, और उसका स्क्वायर रूट. ऐसे जितने भी कैश फ्लो हो यहाँ पे डिपेंडेंट है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर ईयर वन प्लस ईयर टू
विच कॉन यू फैक्टर फॉर ईयर टू, ए प्लस बी बराबर पब्लिक, इससे को आप रिलेट कर सकते हो ऊपर से। अब जो इसके बाद वाला सम है वहां पे आपको यहां तक पहुंचना है मिनिमम, यहां तक मतलब आप तीनों साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालोगे और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उसका इंफॉर्मेशन चेक करके आप स्टैंडर्ड डिविएशन तक आओगे, राइट। तो जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको सर, वहां पे सेवेंथ के बाद एट वाला, वहां पे आपको तीन साल के कैश फ्लो दिख रहे हैं सर, उसमें आपको इवेल्युएट द प्रपोजल गिवन दैट द रिस्क फ्री रेट इज 6%, 6% डिस्काउंटिंग यहाँ पे भी 6% है, उसके बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी तक आ जाओ विद रिस्क। कहीं पे दिया है कैश फ्लोज आर रिलेटेड और अनरिलेटेड पब्लिक? नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला स्टार्ट सॉल्विंग। वहां पे अमाउंट छोटा है 6000 वगैरह है तो आप पूरा ले लेना, वो जब लैक्स वैक्स में हो तो नहीं लेना। कैश फ्लो 6, 6, 10 और 14 प्रोबेबिलिटी 3, 4, 3। आप वराइंस भी निकाल के रख दोगे आगे काम लगेगा। 4, 8, 12 आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर वन एनीबॉडी 10,000 और उस पे आपने वराइंस ऑफ कैश फ्लो भी निकालना है 96 लाख। सेकेंड वाले का 8,000 और उस पर वराइंस भी रहेगा 64 लाख। टेन थाउजेंड क्योंकि तीसरे साल का कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी सब सेम है, तो आग बंद करके करते मत जाओ, दिन मत भरो जबरदस्ती। तो आपको प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ जाएगा। square 0.84 square
एनीवन विद पीवीसीआई ट्वेंटी फोर उन्होंने अपने को क्वेश्चन के ऊपर ही बोला है 20,000 इज योर कैश आउटफ्लो. तो प्रोजेक्ट का एनपीवी इज 4950. एक नोट लिखने का, सिंस नथिंग गिवन कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, और उस पर आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे विच विल कम टू एनीबडी. फोर फाइव जीरो एट एक साथ डाला क्या कैल्सियम में? डाल तो जरा वापस कैल्सियम में. 96 लैक्स, सॉरी सबसे पहले 0.943 स्क्वायर इंटू 96 लैक्स एम प्लस. मैंने 3 डेसिमल ही लिया है दोस्त. अच्छा तूने 2 लिया, चलेगा, थोड़ा माइनर डिफरेंस ही रहेगा. 4514 आएगा अगर 3 डेसिमल लिया था, और कुछ नहीं. फोर फाइव वन फोर पे कट ऑफ कर दो उसको, उसके बाद शुरू होगा सब. हाँ, लेकिन अब वो बंदे को जो चाहिए उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा. पार्ट वन खत्म हुआ इधर. हाँ, रिस्क और रिटर्न दोनों, अभी दोनों. पहले तुमसे प्रोजेक्ट एनपीवी निकालते थे, अब एनपीवी के साथ रिस्क भी. यहां तक पहुंचा क्लास? यहां तक पहुंचने के बाद ही आगे बढ़ेंगे. आ गए यहां तक सब लोग? चलो अभी जरा ध्यान देना, वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट. क्या बोले उन्होंने क्वेश्चन में जरा आ जाओ. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनपीवी, पहले क्या बोला है, टू बी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर कुछ रेंज दिया है. मैं पहला पार्ट वन हो गया, अभी पार्ट टू के अंदर ए के अंदर हूं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बीइंग नेगेटिव, ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बीइंग नेगेटिव, बराबर है. उसके बाद सेकेंड में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बीइंग पॉजिटिव, और पार्ट थ्री में बोला क्या उन्होंने मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी बीइंग इन द रेंज ऑफ 4,000 and 5,500, बराबर ना, ये रेंज बोला है. ठीक है, देख लेते हैं अपन उसको. हाँ आ गया क्या? चलो ब्रेक के बाद देखते हैं, थोड़ा कट ऑफ कर देना. अच्छा कोल्हापुर से भी आगे सांगली उधर, ये मैंने बताया था ना क्लास में, संजय गोड़ावट वो है ना तुम्हारा 300 विंटेज कार्स, वो तुम्हारे सांगली से ही तो है. सब गुटका उटका वाले सब उधर के ही तो है, कोल्हापुर सांगली उधर इंटरनेशनल स्कूल्स एंड ऑल, ऐसे थोड़ी ना है सब. सब उसी का है, संजय गोड़ावट. सो वैसे है बहुत सारे रईस लोग है रे महाराष्ट्र में पड़े हुए इंटीरियर्स में.
ये देख रहे हो, ये सब डीएस ग्रुप, स्टार ग्रुप, आरएमडी, दे आर बिलियनर्स, मल्टी बिलियनर्स, द मेकर्स ऑफ रजनीगंधा, बराबर, एंड ऑफ कोर्स नाउ पल्स आल्सो, दे बॉट पल्स, जो आप खा रहे हो ना, स्टार ग्रुप, ये तेरा संजय घोड़ावट है ना, सांगली वाला, तू भी उधर की है ना आसपास, तो संजय घोड़ावट ग्रुप मूवीज वूवीज भी प्रोड्यूस करता है। फिर आरएमडी, द फर्स्ट मेबैक इन इंडिया, रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल, सबसे पहला मेबैक इंडिया में मुकेश अंबानी के साथ बुक करने वाला रसिकलाल धारीवाल। फिर वो गोवा गुटका ग्रुप है ना, उसका लड़का है वो सचिन जोशी, वो पिक्चर बनाता है, सनी लियोनी के साथ मूवी आया था ना कोई, सचिन क्या जोशी, खाता हूं ना मैं ये सब इसके लिए ये है अब यही काम है आखा दिन, और क्या, तो याद रहेगा ही ना। फिर आपको अगर मैं बता दूं तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टोबैको कंपनी इज आईटीसी, उसके बाद आता है गॉडफ्रे फिलिप्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्पेलिंग, द ओनर ऑफ दैट ग्रुप इज बी के मोदी, द फादर ऑफ ललित मोदी, ललित मोदी इज ऑलरेडी अ 20,000 crore का पार्टी, वो आईपीएल में तो टाइम पास था उसका, इज ऑलरेडी बिलियनेयर, उसके फादर का कंपनी है बी के मोदी, गॉडफ्रे फिलिप्स आई थिंक ओनर्स ऑफ आई डोंट नो विल्स और मालबोरो का, शायद उनके पास इंडिया में राइट्स है ऐसा, विल्स तो आई थिंक आईटीसी का है बट मालबोरो शायद उनके पास है। सो ये सब है यार, ये गुटका उटका कम खाने वाले लोग का बहुत है। फिर इन लोग के बीच में पंगा वंगा भी होता है, पहले ये लोग ही पार्टनर्स थे, जैसे रसिकलाल धारीवाल है वो पहले साइकिल पे जाके गुटखा बेचता था, एंड नाउ मेबैक, उसकी एक लड़की है, अनफॉर्चुनेटली शादी हो गई उसकी, बट वो ही इज अ जैन, सो व्हेन ही कम्स एंड डज अ लॉट ऑफ डोनेशन एंड ऑल इन आर इवेंट्स एंड ऑल, सो इनिशियली आर गुरुज एंड ऑल यूज टू say no, that not allowed, but then he just spends crores of rupees, so hamara jo sabse main temple hai palitana, if people who are aware, uske entrance pe jaoge na to sab udhar upar likha hua hai rasiklal dharival, rasiklal dharival, he is the biggest donor right now in our godavat to hai, but rasiklal dharival one of the biggest donors in our most of the religious places, so aisa hai, so aisa hai. Abhi ye rasiklal dharival was the pioneer in गुटका इन इंडिया अलॉन्ग विथ दैट गोवा ग्रुप, ये दोनों ना पहले पार्टनर्स ही थे, साथ में थे, फिर स्प्लिट हुआ, फिर दोनों में स्प्लिट हुआ तो दोनों में झगड़ा हुआ, तो उनका मैटर सॉल्व करने के लिए वो लोग एक जगह पे गए थे, वहां पे किसी मीडिएटर को रखा था, उसने मैटर भी सॉल्व किया था, और फिर दोनों जब इंडिया में आए तो दोनों पे सीबीआई का केस, क्योंकि वो जिनके पास मैटर सॉल्व करने गए थे वो लोकेशन था कराची, एंड ऑफकोर्स एवरी वन नोज हु वॉज द इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसने मैटर सॉल्व कर रहा है, कराची में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बैठे है उन्होंने मैटर सॉल्व कर रहा है, एंड देन दे केम बैक इन इंडिया एंड देन उनपे केस फेस, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर मल्टी बिलियनर्स, सो इफ सच अ स्मॉल ग्रुप कंपेयर टू दीज अदर ग्रुप, ये अगर स्टार ग्रुप, संजय घोड़ावत के पास इतना 300 विंटेज कार एंड ऑल दैट है, उसके लड़के का शादी था आई थिंक श्रेणी घोड़ावत, कभी YouTube पे सर्च करना श्रेणी घोड़ावट मैरिज, यू विल कम टू नो भाई किसका शादी है ऐसा, ये किसी राजा वाजा का शादी है ऐसा आपको दिखेगा, संजय घोड़ावट। तो ये देखो, ये गुटखा बनाते हैं, अभी गुटखा वैसे बैन है, तो इसके अलावा भी ये लोग छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मानिकचंद वाटर वाटर भी सेल करता है, वो कॉइल्स, टॉर्टोइस कॉइल, वो मॉर्टिन कॉइल्स जैसा, मॉस्किटो कॉइल्स, वो सब भी ये लोग बेचते हैं, वॉशिंग पाउडर, ये सोप, वो भी है, संजय घोड़ावट के तो मल्टीपल बिजनेसेस है, वैसा छोटे मोटा चीज आपको लगता है क्या ये लोग कमाते रहेगा, जाओ सांगली वांगली में जाओ, उधर जितना बीएमडब्ल्यू और पोर्श वोर्श है उधर इतना नहीं है, वो सब छोड़ो, जाओ हमारे विरार जाओ, उधर तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा, तुम्हारे बॉम्बे में नहीं है वो सब, विरार में ऐसा है पब्लिक। लेकिन देखो दिल तो उधर है, दिल तो मेरा विरार में है, जान विरार में,
इधर तो सिर्फ रोजी रोटी है और कुछ नहीं। हाँ ट्रेन की वजह से इधर हूँ, सच्ची में ट्रेन लाइट मच्छर वो सब की वजह से मैं इधर हूँ। बट लैम्बोर्गिनी उधर है। ऐसा सब है, ये लोग हैं। फिर इसमें एक और ग्रुप है, नाम भूल गया मैं, संघवी, संघवी ग्रुप वाले जो है, दे आर द वंस इन विच आई फॉरगॉट कौन सा वाला गुटका उनका है, संघवी ग्रुप का। उनका कोई और कौन सा आता है, कुछ नाम बोलो ना, विमल या नहीं, उसके बाद कौन सा और भी कोई ग्रुप है, मैं नाम भूल गया। द सेम गाय हैज द बंगलो आउटसाइड सिल्वर बीच। आप सिल्वर बीच जाओगे ना, वहां पे गोदरेज का बंगलो है सबसे फेमस, उसके बाजू में एकदम लैविश बंगलो है जहाँ के रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल है। वो सिल्वर बीच पे जो बंगलो है ना, वो ये कोई गुटखा बैरन वाले का ही है। भाई पैसा तो ये सब में है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शौक बड़ी चीज। वन ऑफ द फेमस, आई मीन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन दीज गाइज आफ्टर सीइंग हाउ मच आर दे स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। यू सी दैट, वो रजनीगंधा का एड आता है ना, वो लंबा एड, वो भी प्राइम स्लॉट पे इतना लंबा एड, इट्स सो कॉस्टली एंड दे कैन अफोर्ड इट। मतलब जस्ट इमेजिन देयर सेल्स एंड ऑल, इट्स ओनली यू नो फॉरेन बेवरेज कंपनीज कैन अफोर्ड सो मच ऑफ टाइम स्लॉट्स विच दीज गाइज आर अफोर्डिंग। ये डीएस ग्रुप तो बहुत सारी चीजों में, बट फ्लैगशिप प्रोडक्ट तो उनका रजनीगंधा है। बराबर है, बाबा इलायची भी इनका ही है, डीएस ग्रुप का है, बाबा इलायची प्रोडक्ट भी उनका है। भाई आप देखो ना, ये एड में कौन आता है, ये सब में, ये सब में बड़े, प्रियंका चोपड़ा, हैव यू सीन प्रियंका चोपड़ा, द हॉलीवुड स्टार हाइप्ड, शी इज डूइंग ऑल दीज एड्स एंड देन दे टीच अस टू बी यू नो दुनिया भर का ज्ञान देते हैं लोग, ऐसा सब है। माउथ रिफ्रेशर के नाम पे बेच रहे हैं। आर पीपल गोना बाय रजनीगंधा फॉर अ माउथ रिफ्रेशर? आई डोंट थिंक सो। ऐसा है ये, अपने ये सब सोचो ना, तो अभी आपको पता चले कि ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने वाले भी, कंपनी बहुत बड़ा है, इतना टाइम स्लॉट है ना एडवर्टीजमेंट पे, और कौन लेते हैं पता है, ये बनियान वाले। आपको लगेगा कि यार कितना बनियान बेचेगा, बट देन यू इमेजिन हाउ कैन दे अफोर्ड शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऑल। आप सोचते रहेगा ना, कौन पहनता रहेगा डिक्सी विक्सी एंड ऑल, लक्स वक्स एंड ऑल, ऐसा आपको लगता रहेगा ना। मैसिव सेल्स इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, मैसिव सेल्स, पीपल 70-80% ऑफ पीपल इन इंडिया हैव द हैबिट ऑफ यू नो दिस अंडरगार्मेंट्स ऑफ बनियान एंड ऑल दैट थिंग एंड दे जस्ट गो एंड टेक द प्रोडक्ट दैट दे हैव हर्ड। सो ऐसे केस में बहुत ज्यादा बिकता है। तो ये जो लक्स का ओनर है तोड़ी, उसका सरनेम तोड़ी है, इज फ्रॉम कोलकाता, सो ही इज ऑल्सो रेगुलरली द स्पॉन्सर ऑफ आईपीएल एंड सो शाहरुख खान वॉज ऑल्सो प्रमोटिंग लक्स। शाहरुख खान लक्स का एड क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जो तोड़ी ब्रदर्स है उनका ही वो प्रोडक्ट था। बट देन दैट तोड़ी ब्रदर्स वर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी जहां पे उनका नाम बहुत कलकत्ता में खराब हो गया था। दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन कलकत्ता, बट उनका नाम खराब हो गया था, रिजवान उर रहमान केस है उसके बारे में। तो उनकी एक ही डॉटर थी जिसको जिसने भाग के शादी कर लिया था विद अ मुस्लिम गाय, सो दे डिडंट लाइक इट एंड दैट गाय वॉज फाउंड किल्ड आफ्टर सम टाइम एंड ऑल एंड बिकम अ ह्यूज केस। बट इवन आफ्टर दैट शाहरुख खान वॉज प्रमोटिंग दैट ब्रांड, सो अ सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी दैट एट टाइम्स दे डू ऐसा फॉर मनी एंड ऑल। बट ऐसा है, सो लक्स ब्रांड है या ये डिक्सी वगैरह, ये सब इनका जो ब्रांड्स के अंदर इनके मल्टीपल ब्रांड्स है, दे मेक ह्यूज मनी। जस्ट कंसिडर द केस ऑफ निर्मा, अपने को लगता है क्या वॉशिंग पाउडर ही तो बनाता है। नाउ द सेम निर्मा हैज बीन द बिगेस्ट बिडर एंड द अक्वायरर ऑफ द सीमेंट कंपनी, जो लफार्ज और होलसिम से एक सीमेंट कंपनी अभी रिसेंटली बिका था ना,
नाम भूल गया यार, कौन सा सीमेंट कंपनी था, उसको खरीदने के लिए सब मार्केट में टूट पड़े थे और निर्मा अक्वायर्ड एट हाईएस्ट प्राइस. सो दीज आर कंपनीज विच अपने को लगता है क्या रहेगा. ये ग्रुप बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप है, ऐसा सब है. तो टाइम मिले तो देखा कभी यूट्यूब पे संजय घोड़ावट और श्रेणी घोड़ावट मैरिज, ऐसा सब देखना, उसका पता चले आपको कि क्या पैसा है पब्लिक के पास गांव में. लफार्ज एंड होल्सिम, लफार्ज द फ्रेंच जायंट एंड होल्सिम द स्विस जायंट. तो लफार्ज होल्सिम दोनों ने टाई अप किया इंडिया में, $1.4 बिलियन निर्मा अक्वायर्ड 1.4. तो लफार्ज जो दुनिया का, लफार्ज और होल्सिम दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनीज है. लफार्ज इज फ्रॉम फ्रांस, होल्सिम इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड. तो उनका इंडिया ऑपरेशंस देवर उन्होंने मर्ज कर दिया एंड दे वांटेड टू सेल एंड एग्जिट. सो इट वाज अ लुक्रेटिव थिंग. निर्मा वाले ने बाय किया हाईएस्ट बिडिंग देके. ऐसा लगता है अपने को क्या करेगा ये छोटा मोटा कंपनी, दे बहुत बड़ा कंपनी है भाई, ये सब छोटे मोटे नहीं है सालों साल से. ऐसा मेरे को लगता है इंडिया में. मैं कभी डिस्कशन करूंगा अपने को टाइम मिले तो. सबसे मेरे को इन्फ्लुएंशियल, वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लगते हैं द टाइम्स ग्रुप. द वन हु डोमिनेट्स द मीडिया एज पर मी आर पावरफुल. क्या क्या है डोमिनेशन में उनके यार, न्यूज मीडिया जिधर जिधर जाओ, डिजिटल मीडिया अभी सब जगह, टाइम्स ओ डब्ल्यू एच वो सब एडवर्टीजमेंट सब छाप लिया उन्होंने, बॉम्बे तो पूरा छाप लिया उन्होंने. ऐसा चलो कम बैक टू द सम, कम बैक टू द सम. क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन, 8. एवरीवन सॉरी फॉर द टी ब्रेक एंड अदर ब्रेक, बीच में आ जाओ जरा, आप डाइवर्ट मत हो जाओ सम से ज्यादा. आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीवी नेगेटिव पॉजिटिव और बिटवीन 4000 और 5500 पूछा है, राइट एवरीवन. आ जाते अपन उस पॉइंट पे जहां पे अपन ने ऐसा कुछ किया था. याद करो, याद करो, आज से सैकड़ों साल पहले ब्लैक एंड स्कूल्स बराबर, उसमें ये किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहां पे सेंटर में यूनिवर्स के जितने भी फिगर्स है सेंटर में होता है जीरो मीन और इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बराबर. अब जीरो से वन माइनस वन का जो डिस्टेंस होगा उतना ही जीरो से प्लस वन का डिस्टेंस होगा. ये वाला एरिया मैं बोल सकता हूं 0.5 है इतना मीन के ऊपर का, तो मीन के नीचे का भी एरिया 0.5 50%. एवरीवन अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग. अब यूनिवर्सिटी यूनिवर्स में जो डायग्राम बना है वो एक ही बना है विथ मीन ऑफ जीरो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 3, 4 प्लस. ये क्या बताता है, मीन से कितना दूर है, मीन से कितना दूर है. लेकिन जो सर आपका मीन आया है, आपका एनपीवी का मीन क्या आया, आपका एनपीवी का मीन क्या है इधर सर 4950 और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया है 4514 बराबर ना. अपना मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो वगैरह तो नहीं आया, राइट. अब जरा ये टेबल पे, ये डायग्राम पे वापस आओ. जीरो से लेके वन का डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी होता है, या जीरो से लेके माइनस वन के डिस्टेंस पे कितना प्रोबेबिलिटी होता है, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक में लास्ट पॉइंट पे जरा देखो, मैंने दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. मिला उस पे, बस बस वही 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 उस पे क्या लिखा है ऊपर हेडिंग में, हेडिंग में क्या लिखा है, एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 0 to x, मतलब सर मीन से एक्स तक का डिस्टेंस. अब उसमें जीरो से एक्स, एवरीवन जरा बात सुनना, जीरो से लेके वन, अभी 1.0 कुछ दिया है वहां पे, हाँ क्या वैल्यू है 1.0 में, पॉइंट एवरीवन, मतलब ये जीरो से लेके वन तक में जो एरिया है इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3413 में, चार डेसिमल तक लिखता हूं. सुनो मेरी बात, जीरो से लेके वन तक का एरिया उसका डिस्टेंस कितना है 34%, समझा. वैसे 2.0 में देखो क्या है, पॉइंट राइट 0.47, ये वाला एरिया 4773,
मतलब जीरो से लेके दो का डिस्टेंस है 47%, ये पूरा जीरो टू एक्स, ऐसे मेरे को मिलता है एरिया जो मेरे को चाहिए हो। लेकिन अपना मीन ना जीरो है ना अपना स्टैंडर्ड डिविजन 102 है, तो अपने लिए तो थोड़ी ना अलग टेबल बनेगा, ऐसे सबके लिए थोड़ी अलग टेबल बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सॉफ्टवेयर लेंगे ऐसा जो आपके डेटा को ट्रांसलेट कर दे ये डेटा में। क्या बोला मैंने, सॉफ्टवेयर या कन्वर्टर लेंगे जो आपके डेटा को, या आपका अलग लैंग्वेज है, इसको कन्वर्ट करके ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। उस सॉफ्टवेयर, उस ट्रांसलेटर का नाम मैं बोलता हूं जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या बोलता है कि आपका मीन में डिविएशन कितना है, डिपेंडिंग आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। मतलब जेड स्कोर क्या बोलता है, टारगेट वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बराबर, राइट, ये आपने सुना वगैरह भी रहेगा, उसका मतलब अभी समझो उसका क्या करने का है। सो अब वहां पे सर, इधर इधर इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव जरा ध्यान देना। मैं यहां पे डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूं उसमें मेरा मीन क्या है, मेरा मीन है 4950। प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कौन सा एरिया सर, जीरो से नीचे वाला एरिया, वो पूछा है मेरे को, जीरो से नीचे वाला, ये वाला एरिया पूछा है। बराबर, अब मैं जीरो से नीचे तो इन्फिनिटी तक जाता है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा 4950 मीन से जीरो कितने दूरी पे। जैसे मैं इधर क्या करता हूं, ये मीन से हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम मीन, तो इधर मैं जेड स्कोर निकालूंगा, वो क्या बोलेगा, जीरो टारगेट माइनस 4950 ये कितना स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है, 4514 से डिवाइड करके। समझा एवरीवन, राइट? तो इधर क्या वैल्यू आएगा जरा निकालो, मैं 1.10 ले लेता हूं नेगेटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों साइड प्रोबेबिलिटी मीन के ऊपर नीचे सेम है। पब्लिक जरा ध्यान दो अभी, नाउ व्हाट इज दिस 1.10, 1.10 क्या है पता है, अगर मैं जीरो के हिसाब से प्लॉट करता ना तो ये 1.10 है। मैंने क्या कर दिया, अपने डेटा को, अपने को जो चाहिए वो ये डेटा के हिसाब से कन्वर्ट किया। अब मैं वो टेबल में 1.1 में जीरो वाला चीज ढूंढूंगा, 1.1 में जीरो क्या है, इधर ध्यान देना क्या है वो, 0.364। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या है कि 4950 से ये एरिया कितना है, 36.43। बराबर है, अपने को तो उसके नीचे का एरिया ढूंढना है, और अपने को एक चीज पता है ये पूरा एरिया 50% है, तो जीरो से नीचे का मैं क्या ढूंढूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी क्या होगा सर, 0.5 में से मैं इतना एरिया उड़ा दूंगा, 0.3643 विच विल बी क्या, 0.1357 और 13.57% इज द चांस दैट माई एनपीवी कैन गो नेगेटिव। हाउ डज दैट साउंड नाउ, आई कैन नाउ गो हेड एंड टेक अ प्रोजेक्ट एंड से सर एनपीवी कितना आएगा, 4950 कितना चेंज हो सकता है एनपीवी में, सर 4500 का डिविएशन हो सकता है। नेगेटिव आने का चांस कितना सर, 13%, तो पॉजिटिव आने का चांस कितना सर, बचा हुआ पॉजिटिव आने का चांस कितना, पॉजिटिव आने का चांस कितना, जीरो से ऊपर जाने का, ये वाला एरिया 36.43 है, तो ये वाला 0.5 है, तो सर मेरा पॉजिटिव आने का प्रोबेबिलिटी मैं क्या करूंगा, 0.3643 प्लस 0.5, या मैं सिंपली 13.57 में से माइनस 1 में से ये हटा दू तो ये आ जाएगा मेरे को 0.8643, और आई कैन से पॉजिटिव आने का चांस 86.43%। अब जाके मैं मेरे सर को बोलू कि सर लेट्स टेक अ प्रोजेक्ट, आई अश्योर बाय 86.43% चांस दैट प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव होगा। दैट साउंड्स गुड विद एक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिक्स, रादर देन जस्ट सेइंग एनपीवी पॉजिटिव है ले लो, एनपीवी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का चांस कितना, 86.43%।
गेटिंग दैट एवरीवन, राइट राइट. क्या करता है वो जेड स्कोर? जेड स्कोर, जेड स्कोर क्या करता है वो? ये करता है कि वो जो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन है जीरो और वन के हिसाब से, आपका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन तो वैसा है नहीं, तो वो आपके डेटा को, जैसा मैं उसको समझता हूं, मैं ऐसे समझता हूं कि वो कन्वर्टर है, वो अपने डेटा को ये वाले मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है, जो 1.10 या जो भी आया, फिर मैं वो देख सकता हूं वहां पे. अंडरस्टूड? पता चला जेड स्कोर का मीनिंग या रीजन, राइट? रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग जेड स्कोर है, कर दो. अब जरा उधर 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 ये वाला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव. अब जरा इंटरेस्टिंग पब्लिक, अब मेरे को मैनेजमेंट ये भी बोल सकता है कि देख जरा 4,000 और 5,500 में आने का डिस्टेंस कितना है. मतलब जरा यहां पे ध्यान दो, सेंटर में मीन कितना है? मीन 4950. अब उसने बोला 4000 मतलब नीचे की तरफ और 5500 मतलब ऊपर की तरफ. 4000 और 5500 उनको देखने का है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसका ये दोनों के रेंज में होने का चांस कितना है. एवरीवन, अब मेरे को दो बार जेड स्कोर निकालना पड़ेगा पहले. क्यों? क्योंकि आप मीन से ही आगे पीछे जा पाओगे. पहले मेरे को जाना पड़ेगा 4000 की तरफ, तो मैं करूंगा 4000 -4950/4514 और दूसरा 5500 की तरफ, तो 5500 -4950/4514. समझ में आ रहा है पब्लिक? निकालो क्या है जेड स्कोर दोनों का. 0.2121 ना, और दूसरे का 0.12. जाओ अपने टेबल में, जरा जाओ 0.2 में इस तरफ ऐसे में, और राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो 0.01 में देखो. आप मेरे को प्रोबेबिलिटी बता रहे हो कितना? 0.317 ना, तो 0.832 कर देता हूं मैं. मतलब सर ये वाला एरिया जो है इधर से इधर तक का ये एरिया आप मेरे को बता रहे हो कितना है? 0.0832. और ये वाला एरिया कितना है? क्या करोगे आप? 0.12 जाओगे, 0.04478. ये वाला कितना है? 0.0478. अपने को तो टोटल ये एरिया चाहिए, तो दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड कर दो, 0.131 और आई कैन से 13.10% है कि इन दोनों के बीच में रहेगा. एवरीवन, समझा क्या पब्लिक? सो अब अगर आप देखो कितना बेटर है ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. आप कैश फ्लो वैश्लो सब एस्टिमेट करो, जो आपने किया कैश फ्लो वगैरह एस्टिमेट, अभी पूरा सम अच्छे से देखो, पूरा सम गोत्र करो. आपने बेसिक से किया क्या क्या? आपने ईयरली कैश फ्लोज निकाले थे, बराबर है? यो ईयरली कैश फ्लो के बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट एनपी भी निकाला, उसका फिर आपने क्या किया, उसका फिर आपने डिविएशन भी निकाला ईयरली कैश फ्लोज के बेसिस पे, फिर डिविएशन निकाला, और फिर जो मैनेजर को चाहिए वो निकाला, जो मेरे बोर्ड को चाहिए वो निकाला. बोर्ड बोलेगा प्रोजेक्ट लेने का, मैं बोला सर ले सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क है. कितना रिस्क है सर? मैं बोल सकता हूं 4950 है और 4500 का ऊपर नीचे डिविएशन हो सकता है. अच्छा तो बता नेगेटिव जाएगा क्या? मैं बोला हाँ सर जा सकता है, 13.57% है लेकिन 86.43% है पॉजिटिव जाने का. वो बोलेगा 4000 के ऊपर बता, 5000 के नीचे बता, जो बोलेगा मैं बता दूंगा. जैसे कि उसने मेरे को बोला 4000 के नीचे जाएगा, उसका क्या? मैं बोलूंगा सर इधर 8.32 है तो नीचे 8% है तो नीचे जाएगा. सर इधर कितना बचता है एरिया? 42% चांस है कि 4000 के नीचे रहेगा, 60% चांस है कि 4000 के ऊपर रहेगा. ऐसा अलग अलग चीज उसको जो पूछना है पूछने दो, मैं सब बता सकता हूं, बराबर. दिस इज हाउ यू गो फॉर अ प्रेजेंटेशन, वेदर फॉर अ स्टॉक और फॉर अ प्रोजेक्ट, इट्स द सेम थिंग. ये चीज को ऐसा समझो, ये समझो समझो ये 4000 का भाव का कोई शेयर 4,500 के भाव का शेयर, कोई बैंक निफ्टी कितने का? बैंक निफ्टी 6000, समझ लो ये 6000, ये 5000 बैंक निफ्टी है. तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा गिरेगा वो मैंने सिनेरियो दिया. क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी बढ़ सकता है या गिर सकता है, कितना चांस है बढ़ने का गिरने का, दिस इज हाउ आई कैन प्लॉट. अंडरस्टूड?
एवरीवन, ठीक है, कैसे जेड स्कोर, क्यू जेड स्कोर यूज करते हैं पता चला पब्लिक? जेड स्कोर का मतलब, वापस जरा आ जाओ, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड जेड वैल्यू, मिला पेज नंबर पे हो? When probabilities are used to calculate NPV, it is possible to find the range of NPVs or whether the NPV can be positive or negative at the given probability. If the probability distribution is normal, normal मतलब sir means equidistance, उसको normal बोलते हैं, बराबर? If the probability distribution is normal, then the table showing the area under the standard normal distribution curve can be used to calculate probability of various outcomes. तो आपने जो टेबल देखा लास्ट पेज पे वो आप यूज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए. दिस मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग कैपिटल बजेटिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी अप्रोच विद, यहां पे पब्लिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बराबर, राइट? हाँ, यर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट रेंज वी नीड द बिलो टू थिंग्स. क्या? एक तो जेड वैल्यू निकालना पड़ेगा सर आपको. क्यों निकालना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अपना मीन और स्टैंडर्ड डिविजन 0-1 नहीं है, बराबर है? और दूसरा, वो जेड वैल्यू के बेसिस पे क्या करेंगे? फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द जेड वैल्यू. ठीक है, मैंने जेड वैल्यू के ऊपर कुछ बताया क्योंकि मेरे को भी पहले तकलीफ होता था ये जेड वैल्यू क्या 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 क्या, फिर मैंने सोचा समझा तो वो मैंने चीज वहां पर बताया आपके रेफरेंस के लिए. द वैल्यू गिवन इन द टेबल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटीज फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वेयर बाय द मीन इज जीरो. अपने को जो दिया हुआ टेबल में वो मीन जीरो है. However, in reality, mean, that is project NPV, can rarely be zero, and therefore we convert the project's expected mean and standard deviation into a value. Kya value? Representable as per the normal distribution table to find the target or uska probability. To apan kya karte hai? Apne hisab se jo value hai, usko table mein jo hai, टेबल में जो आपको दिया हुआ है वहां पे वो विद मीन जीरो और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो अपन उनके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अपना एनपीवी का मीन जीरो ऐसा बहुत रेयर है. अंडरस्टूड? अपना मीन जीरो से हटके ही आएगा बहुत बार, तो जीरो 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 आना बहुत रेयर चीज है. जीरो से हटके आएगा तब अपने को ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा. अंडरस्टूड? राइट, ठीक है, बराबर. अच्छा, दीज वैल्यू जिसको मैं कन्वर्टर बोलता हूं इज कॉल्ड एज जेड वैल्यू. एवरीवन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वैसे काई स्क्वेयर करके डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है. ऑल दिस इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड क्वांट्स एंड सो कॉल्ड एज हाइपोथेसिस, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू और वेटेज इन 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 सी एफ ए करिकुलम, इन एफ आर एम, इन एक्चुअरी साइंस में भी, एंड इन द न्यू कोर्स. न्यू कोर्स में थोड़ा बहुत इसके ऊपर है, थोड़ा बहुत, बहुत माइनर चीज है, एक हाथ फॉर्मूला ही है, बट है, बट इसके ऊपर दुनिया भर का रिसर्च होता है. तो जो बच्चे लोग सीए करके सीएफए करते हैं ना, वो ये हाइपोथेसिस वाइपोथेसिस में उनको चक्कर आ जाता है, कॉन्स वॉन्स का वो टॉपिक ही छोड़ देते हैं. ऐसा एनीवे, अपने को पता चलेगा जेड क्यू निकाल रहे अपन जेड स्कोर. एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, पब्लिक कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, हम लोग ये चीज ब्लैक एंड स्कूल्स में भी करते थे प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए, लेकिन अपन ढूंढते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, तो पूरा इन्फिनिटी से ढूंढते थे एरिया. यहां पे मैं इवेंट का ही नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं रेंज का ढूंढ रहा हूं. नेगेटिव के नीचे कितना, पॉजिटिव के ऊपर कितना, ये रेंज में कितना, इसके लिए मैं हर बार माइनस इन्फिनिटी टू एक्स नहीं करता हूं, और इसीलिए टेबल भी मैं माइनस इन्फिनिटी टू एक्स का नहीं देखता हूं, मैं जीरो से एक्स का देखता हूं. इसके लिए आपको पीछे जीरो से एक्स वाला दिया है मैंने. क्यों दिया? क्योंकि अपन रिस्पेक्टिवली एक्स का प्रोबेबिलिटी ढूंढने वाले. अंडरस्टूड? वो वहां पे क्या करते थे आप जीरो से एक्स का रहता था तो आप 0.5 ऐड करते थे उधर ब्लैक एंड स्कूल्स में, इधर नहीं करने का. इधर कॉन्सेप्ट वो यूज करने का है, बट करने का वो नहीं, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्टिव अलग था, यहां पे अलग है. गेटिंग माई पॉइंट? राइट. अच्छा, अभी आपको क्वेश्चन 9 यू ऑल कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो भी आप करोगे उसमें से. क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है वहां पे नेट कैश फ्लोज दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है, तो आपको हर एक का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने की जरूरत नहीं है.
पब्लिक और डिस्काउंटिंग रेट्स भी दिया हुआ है. क्या बोला है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कैश फ्लो आर शोन. प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालने का, कैसे निकालोगे सर एनपीवी एनपीवी एनपीवी. पब्लिक कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करोगे, पीवीसीआई में से पीवीसीओ माइनस करके एनपीवी आ जाएगा. उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट बोला है सर, हर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे. अभी स्क्वेयर करने का कि नहीं वो डिपेंड करता किस पे, वेदर द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट और नॉट. देखो पूरे समय दिया है, इट इज अज्यूम दैट द कैश फ्लो इन ईच पीरियड इज इंडिपेंडेंट, अंडरलाइन करो तो स्क्वेयर करना पड़ेगा और स्क्वेयर रूट भी करना पड़ेगा. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव और दूसरा वाला है एनपीवी ऑफ एटलीस्ट 20,000. बराबर पहुंच सकते हो क्या यहां तक, स्टार्ट करो. चलो पब्लिक नाइन्थ सम एनी वन विथ पीवीसी आए 2111 08 पीवीसी उन्होंने दिया है, 2,00,000 दिया हुआ है, तो आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी 11,108. राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ऑफ सबका स्क्वायर करोगे एक साथ 6846, यहां तक पहुंच जाने चाहिए. उसके बाद उन्होंने बोला है नेगेटिव और एटलीस्ट 20,000, तो जरा पार्ट वन में लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी मीन, मीन अपना है 11,108, नेगेटिव मतलब जीरो के नीचे वाला एरिया. सो आप जेड स्कोर निकालोगे, 0 - 11,108 डिवाइडेड बाय 6846, जेड स्कोर आएगा आपका कितना, 1.62 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी कितना, 0.4474. वो 11,000 से इतना डिस्टेंस है, आपको उसके नीचे का डिस्टेंस है, तो आप 0.5 में से 0.4474 माइनस करोगे, दैट विल गिव यू 0.0526, राइट. आई होप विच इज आई कैन राइट 5.26% इज द चांस ऑफ नेगेटिव एनपीवी. सेकेंड वाले में उन्होंने बोला है, क्या बोला है, एटलीस्ट 20,000, एटलीस्ट 20,000. इंटरेस्टिंग चीज, एटलीस्ट 20,000. वापस से मैं डायग्राम बनाऊंगा, मीन 11,108 है, 20,000 राइट हैंड साइड पे आएगा. एटलीस्ट 20,000 मतलब 20,000 और उससे ज्यादा, समझा. तो अब जेड स्कोर निकालोगे क्या, 20,000 माइनस 11,108 डिवाइडेड बाय 6846, 1.30. तो आप प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे 0.4032, तो उसको 5 में से इतना टुकड़ा माइनस कर दोगे, आपको ये वाला है बराबर है, आपको उसके नीचे का एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे 0.5 - 0.4032 जो आएगा आपका 0.0968, और आई कैन राइट 9.68% इज द चांस ऑफ अबाउट 20,000 एटलीस्ट बोला इसके. एवरीवन यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक लास्ट सम है, तो तब तक थोड़ा होल्ड करना एज सून एज यू विल फिनिश दिस. सोचो आप
जो पूरा स्टॉक इवैल्यूएशन की हो, पोर्टफोलियो और इक्विटी वैल्यूएशन से, वो हर स्टॉक में ये कर सकते हो। तो आप बताते ना स्टॉक में सर इतना रिटर्न आएगा, प्लस माइनस ऊपर इतना हो सकता है, उसमें आपको इन्वेस्टर पूछे कि अरे मेरे को रिलायंस में कितना रिटर्न आएगा, मैं बोलूंगा सर एवरेज रिटर्न आएगा 12%। कितना ऊपर नीचे हो सकता है सर, मैं बोलूंगा 3% सर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ तो 15% आएगा क्या, मैं बोलूंगा हाँ सर 15% आ सकता है ना, 15 से ऊपर या नीचे आ सकता है, 15 नहीं आ सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी पॉइंट का नहीं होता है, रेंज का होता है। तो 15 से ऊपर आ सकता है क्या, मैं बोला हाँ सर आ सकता है, उसका चांस है 12.13%। वो एकदम शॉक हो जाएगा, अरे वाह लड़का अच्छे से आंसर दे रहा है, 12.13% कैलकुलेशन किया, हाँ सर मैं स्टैटिस्टिक्स यूज किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट शोड मी दैट। ये यू पुट ऑल दिस स्टैटिस्टिक्स इन व्हाट यू वर सपोज टू आंसर समवेयर। अपन लोग बोलते हैं ना अरे हाँ 99% चांस आएगा, वो 99 के बदले में अगर ऐसा बोलू 97.24% चांस आएगा, दैट साउंड्स मोर पॉलिश। आई गॉट दैट बिट, दिस आई हैव द प्रूफ ऑफ दैट, दैट्स हाउ आई हैव अज्यूम्ड एंड गॉट। अंडरस्टूड एवरीवन? इससे आप जो कर रहे हो वही कर रहे हो, आप अभी भी एस्टिमेशन ही कर रहे हो, अभी भी आपके सब फिगर हवे में ही है, बट वो कितना हवे में है वो पता है। अंडरस्टूड राइट? ठीक है चलो, अब एक कंपनी ये सब कर, ये सब को कैसे यूटिलाइज करती रहेगी, इसके ऊपर एक बहुत मस्त समय जो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल कर देता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ पढ़ो ना खुशबू, क्या लिखा है? एक सेकंड, क्या बनाता है वो? गेमिंग मशीन्स बनाता है। कौन बनाता है गेमिंग मशीन इंडिया में, जरा आप बताओगे मेरे को? आप एक्सपर्ट हो गेम वेम खेलने में, जनरली कौन बनाता है गेमिंग मशीन्स? माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स, निंटेंडो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्लेयर इन गेमिंग, बराबर। एंग्री बर्ड्स, बराबर। निंटेंडो कौन कौन अभी सबसे फेमस गेम कौन था, रस्ते पे पब्लिक खेल रहा था? पोकेमोन गो, दैट इज निंटेंडो। ये वही निंटेंडो है जो जिम्मेदार है, कौन सा पता है? पहले के कुछ पता है आपको, पहले के गेम्स? मारियो, किसका है? मारियो। ये सब जापानीज गेम्स है ज्यादातर, काउंटर स्ट्राइक, कॉन्ट्रा, सब उसके नहीं है, मैं बता रहा हूं ये सब गेम्स है, ये गेमिंग में ये लोग भी घुसे। ये सब आप खेले हो कि नहीं गेम वेम? यार क्या यार, फिर तो खेले हो तो इसमें इवेल्युएट किए हो कि नहीं यार? कब खेले थे आप ये सब? बचपन में, तब आपने कुछ कार्टून इंडिया में जो सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू जो सबसे ज्यादा है इंडिया में किसी कार्टून का, तो उसका नाम है छोटा भीम। इट्स ब्रांड वैल्यू इज 450 करोड़ प्लस। देन रोल नंबर 21, शिवा, बराबर। चड्डी मेरा बड्डी है ना, ये सुने हो क्या भाई? तुम ये सब नहीं सुने हो? जिसने घर घर के बच्चों को बिगाड़ा, कौन? शिनचैन। और नहीं, मैं बता रहा हूं इंडिया में इसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसमें इंडियंस ही है 1, 2, 3, 4, बट सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, मैं वो बोल रहा हूं। मैं किधर बोल रहा हूं इंडियन है ये जी, कौन थोड़ी ना इंडियन है, शिनचैन। और डोरेमोन, छोटा भीम, रोल नंबर 21, शिवा, चड्डी मेरा बड्डी, और नहीं मोटू पतलू, क्या यार तुम, यार मैं तुम सब कार्टून भले देखते रहोगे, मैं ये बता रहा हूं मैं इसमें से एक भी देखा नहीं हूं, लेकिन इसमें ब्रांड वैल्यू किसका ज्यादा है वो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं आई केम अक्रॉस दिस। यू थिंक आई एम सीइंग ऑल दिस थिंग? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम जस्ट सेइंग यू दैट ये सब आप थोड़ा एनकाउंटर किए रहेंगे, क्योंकि आपने ये सब का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंडिया में, इन मल्टीपल क्रोर्स थ्रू दैट मर्केंडाइज एंड ऑल दैट दे सेल,
राइट. सो व्हाट इज देयर करंट नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांड, वो सब के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ. कार्टून नेटवर्क्स एंड ऑल ये सब. डिज्नी वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी एज मीडिया ऑल्सो एंड मेकिंग मूवीज एंड ऑल्सो. राइट, डिज्नी है, कार्टून नेटवर्क, पोगो, मेक सो मच ऑफ मनी. नाउ दे देन ग्रेजुअली कम इनटू मूवी डेवलपमेंट एंड ऑल. सो छोटा भीम राइट नाउ एज द हाईएस्ट वैल्यू इन इंडियन स्पेस इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू. ऑफकोर्स ये शिनचैन और डोरेमोन तो वर्ल्ड फेमस है, बराबर ऐसा है. बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस शिनचैन एंड डोरेमोन आर वेरी ओल्ड कार्टून्स बिकॉज मेजोरिटी. एंड हाउ डू आई गेस दैट दैट्स वेरी ओल्ड? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जैपनीज पॉपुलेशन राइट नाउ इज रिटायर्ड कैटेगरी. सो इट मस्ट बी अराउंड 60s एंड 80s. दैट इज वॉट इट वॉज गेटिंग दैट. So we are seeing those, most of those cartoons, of course they have developed it, but even today they command even Sony and all, they command more in all this thing, gaming zones. As gaming zone mein sabse zyada dabdaba abhi bhi Japanese companies ka hai, even after the fact that majority of Japanese don't see this and they are from the retired category. Unka age population bahut zyada old hai apne se comparatively. ऐसा है, मतलब वो लोग कार्टून भी बनाए तो भी दुनिया भर में बिके. ऐसा है, जो भी बनाए सब दुनिया भर में बिके. म्यूजिक व्यूजिक एंड ऑल, वो तो किंग है जापानीज वो सब में. इसीलिए तो माइक्रोसॉफ्ट ऐसा ही थोड़ी पागल है जो इसमें घुसा. इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री गेमिंग एंड ऑल. एंड पोकेमॉन एंड ऑल दोस एंग्री बर्ड्स एंड ऑल, यू ऑल आर अवेयर, मतलब आपके सामने हुआ है हाउ दे बिकेम सडनली सो मच ऑफ अ रेज एंड ऑल. राइट, ऐसा सब है. ठीक है, अपन तो ये गेमिंग मशीन बनाने वाला है ये उसके बारे में बात कर रहे हैं. हाँ आ जाओ उधर, छोटा भीम ना ये ना वो, मोटू पतलू. हाँ चलो, स्टैंडर्ड डिविएशन ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन है वेरिएबिलिटी, क्योंकि वो वरांस रहेगा तो आपको स्क्वायर नहीं करना. तो उन्होंने आपको कुछ कैश फ्लोज के एस्टिमेशन दिए हुए, कितने साल के? 5 साल के. कितने कैश कैश फ्लोज सब अगर आप देखोगे तो सब इन मिलियंस है रुपीस में. मैं लिखूंगा 1.3, 1.8, 1.4, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज है. इन सबको कोई तो रेट से डिस्काउंट करूंगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू लाऊंगा तो वो पीवीसीआई आएगा माइनस प्रेजेंट वैल्यू. कैश आउट फॉर कितना बोला उन्होंने? 5 मिलियन है, बराबर है? राइट राइट राइट, ये सब मिलियन रुपीस में. और फिर उसके बेसिस पे मेरे पास एनपीवी आएगा. राइट एवरीवन, ओके. उसके बाद मैं क्या करता हूं? उसके बाद मैं ये इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालता हूं, बराबर ना? तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए जरा आपको देखो, सब में कहीं पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ बोला है क्या? सब में बोला है क्या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? नहीं बोला है. ठीक है, ओके. हाँ चलो आ जाओ वापस हम में, अभी करने का क्या है, आगे पढ़ो. एक सेकेंड, ये पूरा जो है ना इन्फॉर्मेशन इसको बॉक्स में डाल दो. ये जो 3-4 लाइन दिख रहे हैं ना, एज एन ऑल्टरनेटिव से वर्चुअली रिस्क फ्री तक, उसको ब्रैकेट में डाल दो. ये अपन बाद में पढ़ेंगे उसके बाद. हाँ बराबर, आपको एनपीवी निकालने का यूजिंग रिस्क फ्री रिटर्न एज डिस्काउंटिंग रेट. ओके, फिर मतलब अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी निकालने का है सर. उसके लिए क्या करेंगे? आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है उन्होंने, हर एक का दिया है ना स्टैंडर्ड डिविएशन हर एक साल का. तो अपन स्टैंडर्ड डिविएशन से कहीं पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोला है क्या, तो अपन इंडिपेंडेंट समझ लेंगे. कितना पहले का स्टैंडर्ड डिविएशन? 0.13, 0.19, 2 बार 3, 4 है क्या? ओके, ये सबका मैं क्या करूंगा सर? ये सबका स्क्वायर करूंगा और उसका स्क्वायर रूट करूंगा डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, बराबर ना? सबको ऐड करना है. फिर मतलब उनका थंब रूल है कुछ.
तो एन रूल वन क्या बोलता है, मिनिमम एनपीवी एटलीस्ट 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 कितना होना चाहिए, 1 मिलियन होना चाहिए रुपीस। हाँ ये रूल नंबर वन। अच्छा मतलब पॉजिटिव एनपीवी का मिनिमम चांस कितना होना चाहिए, 85% प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। ये दोनों रूल एंड है और है, एंड है और, हाईलाइट करो एंड को, दोनों चाहिए तो अपन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे नहीं तो नहीं। एवरीवन मतलब इसका मतलब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, एनपीवी मिनिमम 1 मिलियन है कि नहीं वो इधर से पता चलेगा, लेकिन पॉजिटिव कितना है इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहो में मीन, और आपको देखना पड़ेगा 0 से ऊपर जाने का एरिया कितना है, बराबर राइट। सो आप जो भी मीन रहेगा यहां पे जेड स्कोर ढूंढोगे, 0 तक का एरिया ढूंढोगे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, वो पे जेड स्कोर आएगा और उसके बेसिस पे आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करोगे, बराबर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पूरा सम किसकी वजह से अभी रुका हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट। जरा आ जाओ, आपने जो ब्रैकेट में डाला है ना इंफॉर्मेशन, पूरे सम में डिस्काउंटिंग रेट दिया ही नहीं है। देखो क्या लिखा है उधर पढ़ो। आराम से आराम से। एज एन ऑल्टरनेट टू इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट, ये जीरो चांस किधर डालता, पैसा किधर डालता, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालता। कितना डालता सर, 5 मिलियन। तो उसको क्या मिलता वहां पे, वो 5 मिलियन आउटफ्लो डालता तो उसको क्या मिलता सर, फायर एन्यूटी मिलता। कितने का, 1.31926 मिलियन पब्लिक, उतने का पर ईयर इनटू पीवीआईएफए एक्स परसेंटेज फॉर कितना साल, 5। समझ रहे हो क्या, ये क्या इक्वेशन मैंने किया, मैंने किया ये प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्यूटी का जो अमाउंट है इनटू पीवीआईएफए एक्स परसेंटेज फॉर टी इयर्स। आज आप 5 मिलियन डालोगे तो अगले साल से आपको कितना मिलेगा, 1.31926 एवरी ईयर। सो व्हाट इज दैट रेट, व्हाट इज दैट रेट, आप बेसिकली ये क्या ढूंढ रहे हो, तो आईआरआर, वाईटीएम, कैसे ढूंढते थे, ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन। सो सुनो अच्छे से बात पब्लिक, पीवीआईएफए कोई तो परसेंटेज है फॉर 5 ईयर, जो करोगे तो क्या आएगा, करो डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.3790। क्या करना पड़ेगा आपको, सुनो कैलसी में 1 पॉइंट कुछ तो रेट लेके डिवाइड इक्वल टू करके एम प्लस, ऐसा 5 बार करके देखना पड़ेगा, और जो रेट आएगा वो आपका ट्रायल एंड एरर से जो रेट आएगा वो आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा। वो रेट क्या आना चाहिए, 3.79। कोई तो एक रेट से शुरू करो, कोई तो एक रेट से शुरू करो, क्या रेट से शुरू करो, 10 शुरू करो, 10 से 1.1 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस इनटू इक्वल टू एम प्लस। एवरीवन क्या आ गया, 10% से, आपको पता था लगता है, इसके लिए मैंने बोला कोई तो रेट से शुरू करो, आपने 10 बोला। देख लिया आपने आंसर, देखा इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सम में टू इज डिस्काउंटिंग रेट से छोड़ दिया। आप समझते, अरे डिस्काउंटिंग रेट दिया नहीं, मैं क्या करूं क्या नहीं, टाइम वैल्यू किधर अटकता स्टूडेंट, टाइम वैल्यू में। याद है मैं क्या बोल रहा था पहले से आपको, कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है टाइम वैल्यू, और पब्लिक जो अटकता है वो टाइम वैल्यू की वजह से अटकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूट सिर्फ चाहता था कि आप सब शुरू तो करो, टाइम वैल्यू का इक्वेशन तो बनाओ, आंसर 10% ही आने वाला है, दे डोंट वांटेड यू ऑल टू गेट हैरेस देयर, समझा। 10% डिस्काउंटिंग रेट पे आप अभी क्या करोगे सर, प्रोजेक्ट का पीवीसी निकाल पाओगे, और वही डिस्काउंटिंग रेट जो इधर ले रहे हो उसका स्क्वायर करोगे, फिर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा और प्रोजेक्ट सॉल्व करके बताओगे, स्टार्ट डूइंग इट। आपको उन्होंने 2 डेसिमल वगैरह नहीं लेने का कुछ बोला नहीं, तो आप 2 2 डेसिमल ले सकते हो, 0.91, 0.83756, 68 और 62।
0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62. पीवीसी आए दो दो डेसिमल में एम प्लस करके। सिक्स पॉइंट दो डेसिमल में 6.2 क्या रहा दोस्त तेरा 6.2 फाइव 6.258 तो 6.26 भी कर सकते हो आप। तो आपको एनपीवी आएगा 1.26 मिलियन पॉजिटिव। उसको क्या चाहिए था मिनिमम एनपीवी 1 मिलियन चाहिए था कंडीशन वन रूल वन एक्सेप्टेड बराबर। दूसरा कंडीशन बाकी है लेकिन आप पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे 0.13 × 0.91 जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर एम प्लस 0.19 × 0.83 जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर एम प्लस ऐसे पांचों पांच को करते जाओ एम प्लस एमआरसी स्क्वायर रूट। दो डेसिमल में आंसर निकाल सकते हो आप। पॉइंट फोर नाइन सो मैं इसको जेड स्कोर 0.49 से डिवाइड करूंगा। मैं जेड स्कोर ढूंढूंगा कितना अपना मीन 2.57 2.5 में 0.07 वाला 0.4949 किधर से मीन से इधर तक का सर ध्यान दो मीन से जीरो तक का डिस्टेंस 49% और ये वाला डिस्टेंस 50%। तो मैं क्या लिखूंगा इसको दोनों को ऐड कर दूंगा तो दिस विल बी 0.9949 और 99.49% रूल टू ऑल्सो सैटिस्फाइड। दोनों रूल सैटिस्फाइड। उन्होंने बोला मिनिमम एनपीवी 1 मिलियन होना चाहिए अपना 1 से ज्यादा है और पॉजिटिव होने का चांस 85% होना चाहिए। क्या कितना लेने का मैडम? हाँ एरिया उन्होंने बोला ना आप क्या ढूंढ रहे हो मैडम? पॉजिटिव मतलब जीरो से नीचे मीन से जीरो जीरो इस तरफ आएगा ना नीचे की तरफ जीरो से नीचे नेगेटिव है तो जीरो से ऊपर वाला पूरा एरिया पॉजिटिव। तो मैं जेड को ढूंढना और मैंने इतना एरिया ढूंढा ये एरिया तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये 0.5 है तो इतना एरिया ढूंढा कैसे 0 और 1.26 एट स्टैंडर्ड डिविएशन ये तो 0.5 ही है ना नीचे का ऊपर का भी 0.5 ही है लेकिन ये पूरा नहीं चाहिए इतना ही चाहिए क्योंकि इसके नीचे जीरो है जीरो के नीचे नेगेटिव आएगा अपने को पॉजिटिव एनपीवी आना चाहिए 85%। वो जो है ना यूनिवर्स का जीरो है उसके ऊपर 0.5 है अपना मीन जीरो नहीं अपना मीन 1.26 है 1.26 मीन बीचों बीच मीन के ऊपर 50% नीचे 50 तो ये तो 50% है ही ये वाला एरिया ढूंढने का ये वाला एरिया मैं ढूंढा जो आया मेरा 49.49% तो इतना 49% है ये 50 है 99% चांस है टोटल ये पूरे एरिया का विच इज पॉजिटिव। उन्होंने क्या बोला 85% मिनिमम होना चाहिए अपना 99 है बोथ रूल एक्सेप्ट समझा। सो जरा वापस लास्ट में स्टेटमेंट लिखा है मैंने क्या रिकमेंडेशन द कंपनी इज फॉलोइंग रूल्स टू एनालाइज रिस्की प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट मस्ट हैव एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ 1 मिलियन द अबव प्रोजेक्ट हैज एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ 1.258 मिलियन या 26 मिलियन देयरफॉर द रूल 1 इज सैटिस्फाइड।
रूल टू क्या बोला, प्रोजेक्ट शुड हैव एटलीस्ट 85% चांस ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, अपन ने निकाला था प्रोजेक्ट इज 99.49% चांस ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, देयरफॉर रूल टू इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सिंस बोथ द रूल्स आर सेटिस्फाइड द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। बहुत सारे लोग हैं ना क्या बोलते हैं पता है सर, वो 1.1 मिलियन जो आया ना आपका, ये 1.26 आया ना, उसी का प्रोबेबिलिटी ढूंढने का, ऐसा घाई घाई में लग जाता है स्टूडेंट को। 1.26 का प्रोबेबिलिटी क्या ढूंढने का, वो मीन है तो वो 0.5 ही रहेगा, वो नहीं ढूंढने का है आपको। उन्होंने अलग से बोला है किसका प्रोबेबिलिटी ढूंढने का, पॉजिटिव का, जीरो से ऊपर का। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है चलो यहां तक होना चाहिए। ये कंप्लीट हुआ आपका प्रोबेबिलिटी अप्रोच विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो आप एग्जाम में जाओ सर 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 आप एग्जाम में जाओ तो मेरे को चाहिए आप एक ऐसा सम करो जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना पड़े। मतलब मैं ये रिस्क एनालिसिस वाला और इसमें कैपिटल बजटिंग में मैं आपको मार्क करके दूंगा कौन से करने के, वो आपको बाद में मैं दूंगा जहां पे इतना सारा करना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? वो स्टार्टिंग से लेके अभी तक में मैं हाईलाइट करके दे दूंगा कौन से करने चाहिए। तो जैसे कि अभी आपने किया ना फिफ्थ से लेके टेंथ सम में यही चीज किया छह सम, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब पढ़ूंगा एग्जाम के टाइम पे तो मैं छह के छह सम नहीं करूंगा, दो सम ऐसे करूंगा जिसमें सब आ जाए। एक जिसमें आपने एंड टू एंड करके स्टैंडर्ड डिविजन भी निकाला और एक जिसमें ये डायग्राम वगैरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी किया। डेफिनेटली ये वाला सम तो बोलूंगा ही आपको देखना है, टेंथ वाला। इनफैक्ट टेंथ वाला और आपको चाहिए तो एट्थ वाला, ठीक है एट्थ वाले से बेटर है आप सेवेंथ वाला या सिक्स वाला, दोनों में से कोई भी एक, सेवन सिक्स में से कोई भी एक और टेंथ वाला। ठीक है चलो आपको दो तीन मिनट का ब्रेक चाहिए तो ले लो, फिर अपन कुछ और स्टार्ट करते हैं। चलो सेटल एवरीवन। ओके आपने अभी प्रोबेबिलिटी अप्रोच किया, अब हम लोग आ रहे हैं डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री मतलब आपको ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट? चलो अब वो डिसीजन ट्री का सम कैसे करने का जरा अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 11 14 इनफैक्ट 12 और 13 भी डिसीजन ट्री वाले हैं लेकिन 11 और 14 थोड़ा रिलेटेड है। तो 11 में मैं जो सिस्टम करा रहा हूं जरा ध्यान देना था क्या 14 में वो रेप्लीकेट कर पाऊं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, हाँ पढ़ो ना खुशबू। आउटले ऑफ कितना पीवीसी ऑफ 40,000 चाहिए। हाँ अच्छा ओके, टू दो ईयर का लाइफ है उसके बाद कोई नो सेविंग या सैलवेज वैल्यू। हाँ ओके मतलब आज अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 40,000, एक साल के बाद उन्होंने बोला है देर इज अ चांस कि क्या हो सकता है कैश फ्लो 25,000 और 30,000, ये दोनों सिनारियो हो सकता है बराबर। लेकिन 25,000 होने का उन्होंने कुछ प्रोबेबिलिटी दिया कितना 0.4, तो ये वाला 0.6 आगे। अच्छा ओके मतलब अगर 30,000 हुआ 25,000 हुआ सॉरी, तो उन्होंने क्या बोला आपको कितना कैश फ्लो हो सकता है सेकेंड ईयर में, तीन सिनारियो दिया ना 12,000 16,000 और 22,000, ये तीन सिनारियो दिया हुआ है आपको। और अगर 30,000 हुआ तो भी तीन सिनारियो दिया हुआ है राइट, 20,000 25,000 और 30,000। अब जरा अच्छे से इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, 25,000 हुआ तो 12,000 होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3 एंड 0.5, और 30,000 और 20,000 हुआ तो 0.1। एट एनी टाइम अगर आप नोटिस करोगे तो ये कौन सा, ये ईयर जीरो है,
this is year 1 and I would say this is year 2. At any point of time, just see the probability ka total, year 1 ka total 1. Year 2 mein 2 event ho sakte, wo pure event ka 1. Pure event ka 1. Barabar na? Haan. Kya bola apne ko karne ko, kya bola aage? Achha, discounting rate apan use karenge 10% pe. Okay. उन्होंने डिस्काउंटिंग रेट दिया है, रेट दिया नहीं दिया, ठीक है, तो अपन अपने हिसाब से दिया है ना, पॉइंट फर्स्ट ईयर का पॉइंट 909 और सेकेंड ईयर का पॉइंट वो भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ अच्छा, डिसीजन ट्री उसके बाद और कुछ बोला है? हाँ अच्छा, आपको वर्स्ट और अकरेंस बोला है और उसके बाद आपको बेस्ट भी बोला है और उसका भी प्रोबेबिलिटी बोला है और फिर फाइनली बोला है विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, मल्टीपल चीजें बोली। इसके लिए जरा ध्यान देना, मैं करूंगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा इवेंट होने के कितने कंडीशंस, मतलब कितने 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 रोड्स है, जिसको मैं बोलता हूँ कितने पाथ्स है। सो यहाँ पे जरा देखो, फर्स्ट ईयर में 40,000 का आउटफ्लो तो सर्टन है, जीरो ईयर पे सॉरी फर्स्ट ईयर पे 25,000 हो सकता है और 12,000 भी हो सकता है सेकेंड ईयर में। ये पाथ वन, आई नेम दिस एज पाथ वन। सेकेंड रास्ता क्या हो सकता है, फर्स्ट ईयर में 25, सेकेंड ईयर में 16, सेकेंड 3, 4, 5, 6, ये इतने इवेंट हो सकते हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है पब्लिक, इतना इवेंट हो सकता है। अब ये इवेंट में, ये इवेंट में अपन देखते हैं कि कैश फ्लोस क्या है, तो मैं कैश फ्लो देखता हूं। पहले तीन इवेंट में आप कैश फ्लो देखोगे, कौन सा वाला, मैं पहले देखूंगा ईयर वन का, फिर मैं देखूंगा ईयर टू का। एवरीवन, सो ईयर वन में कैश फ्लो क्या हो सकता है, पहले तीन इवेंट में 25,000 एवरीवन और इधर 30,000। समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? अब ईयर टू में, अगर ईयर पार्ट वन में, ईयर वन में 25,000 हुआ तो इसमें कितना हो रहा है सर, इसमें इसमें 12,000, 16,000, 22,000 बराबर है 30,000 पे 20,000, 25 एंड 30,000 बराबर। एवरीवन ओके, इसके साथ मैं एक और चीज करूंगा, मैं उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी लिख दूंगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब ईयर वन के डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909 नहीं, ईयर वन ही है एवरीवन, 0.909 एवरीवन राइट। ईयर टू का 0.826 इन्होंने दिया हुआ है, 0.826। अच्छा, अभी मेरे पास दोनों रिस्पेक्टिव साल के कैश फ्लोज भी है अलग अलग इवेंट पे, ये इवेंट या पाथ पे बराबर, तो मैं पीवीसीआई निकाल सकता हूं कितना आ सकता है सर। कैसे निकाल सकता हूं पीवीसीआई सर, फर्स्ट ईयर में 25,000 आएगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड ईयर में 12,000 आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे मेरे पास 6 डिफरेंट पीवीसीआई निकलेंगे। सुनो मेरी बात, वो सब पीवीसीआई के सामने पीवीसीओ तो एक ही है, कितना है 40,000, तो वो सब जगह पे मैं रिस्पेक्टिवली एनपीवी निकालूंगा। एवरीवन राइट, बताओ एक एक करके मेरे को पीवीसीआई। थर्टी टू सिक्स थर्टी सेवन ना, 32,637 ओके, 39,30,30,985,40,897
ये कैलकुलेशन बराबर करो, 16,000 × 0.826, 25,000 × 0.9, 35,941 है। फोर उसके बाद वाला 48.90 बराबर है, ये बराबर है ना। हाँ नेक्स्ट 43,790, 47,920, 47,920 बराबर एवरीवन। अब ये सब पॉइंट्स पे मैं एनपीवी निकालूंगा तो ये तो नेगेटिव आएगा, पहला वाला कितना आएगा जरा, नेगेटिव 7,63 नेगेटिव, सेकेंड वाला भी नेगेटिव 4,059, फिर ये 8,97, 3,790, 7,920, 12,050। लेकिन ये 6 में से सब थोड़ी इवेंट होने वाले हैं, सबका कुछ तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, नहीं दिया है तो अपन निकालेंगे। दिया तो है लेकिन ये इवेंट का सेम प्रोबेबिलिटी थोड़ी है। ये पहला पाथ होने का चांस है, फर्स्ट ईयर का 40%, दूसरे साल का ये कितना है, 0.2 ना एवरीवन। तो 0.4 × 0.2 मैं क्या निकाल रहा हूं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सो 4 × 8 ये चांस है 0.08, फिर 4 और 3 0.12, 0.20, उसी तरह 6 × 4 = 24% चांस है, 30 और 0.06, पूरे इवेंट का टोटल विल बी 1, पूरे प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी 1। तो अब मैं निकालूंगा क्या, मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड एनपीवी। क्या करूंगा सर, ये सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई x × p, और मैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालूंगा। जरा निकालो मल्टीप्लाई करके, एम प्लस में डालो, सब जगह सब चीज को एम प्लस में डालो, एम प्लस में डालो। एक्सपेक्टेड एनपीवी आप थ्री वन, सबका आंसर क्यों अलग आ रहा है जब फिगर इधर सेम ही लिखा है, पहले दो माइक नेगेटिव में है, आपने माइनस में डाले हैं कि नहीं डाले, एम माइनस में 3112 एवरीवन। सो अभी क्या आया पता है, सबसे पहला आंसर वो आपको सबसे पहले ना डी वाला आंसर आया, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, ये अपन क्या बोलेंगे, डी डी वाला, यस एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। अब थोड़ा डिटेल में जाते, डिटेल में मतलब उन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री पब्लिक, आपने डिसीजन ट्री बनाई है, दिस इज डिसीजन ट्री पार्ट ए, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड, और उसका प्रोबेबिलिटी, वर्स्ट आउटकम होगा तो एनपीवी क्या आएगा, वर्स्ट आउटकम में कब कितना एनपीवी आ रहा है सर, 7,363 नेगेटिव, और उसका चांस कितना है, 8%, समझा क्या पब्लिक। बेस्ट आउटकम उस हिसाब से कितना आ सकता है सर, 12,050, और इसका चांस कितना है, बराबर एवरीवन। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं डायरेक्ट भी एनपीवी निकाल सकता था, मतलब क्या ये पीवीसीआई है ना, ये सब पीवीसीआई को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, एम प्लस में डालो सर, 32637 × 0.08 एम प्लस, 35941 × 0.12 एम प्लस, और सबको डालोगे आपको तो आपको एक्सपेक्टेड पीवीसीआई आएगा विच विल बी 43112। करो करो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, आया क्या पब्लिक 43112। तो मैं वैसे भी डायरेक्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकता था -40,000 करके, लेकिन ऐसा करता तो ये जवाब नहीं दे पाता, वर्स्ट और बेस्ट कब आएगा, समझ में आ रहा है क्या।
तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इंस्टीट्यूट पूछेगा ही आपको वर्स्ट और बेस्ट निकालो। इसके लिए आपको सिर्फ एनपीई पूछा ना तो पीवीसीआई का वेटेड, क्योंकि देखो पीवीसीआई तो कॉमन ही है, तो पीवीसीआई का वेटेड एवरेज करके कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली सब में नीचे चेक करने का वर्स्ट बेस्ट पूछा है क्या, तो आपको जानबूझ के हर एक पॉइंट का एनपीवी ऐसा निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मैं भी क्या बोल सकता हूं, ये छह में से कोई भी एक एनपीवी हो सकता है। वर्स्ट क्या होगा, ये कितना चांस है, ये इतना। बेस्ट क्या होगा, ये कितना चांस है, इतना। ये एक्स्ट्रा आंसर दे पाने के लिए वो मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, वरना आपको सिर्फ एनपीवी निकालने के लिए ये सफिशिएंट था। समझा क्या पब्लिक? राइट कैसे डिसीजन ट्री बनाने का, वो डिसीजन ट्री पे कितने रूट बनते हैं और उस पर कैसे, थोड़ा यूनिक वे प्रेजेंटेशन है। ईयर वन और ईयर टू है, सब ईयर वन के कैश फ्लोज अलग है, डिस्काउंटिंग रेट सेम है, ईयर टू और उसके बेसिस पे पीवीसी है, बराबर। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, जो अभी आप लिख के करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 पहले समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 14 समझ लेना, क्योंकि उसको करने का थोड़ा टेबल का तरीका अलग है। एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस वन? राइट, इरेज करूं मैं, क्योंकि 14 वाला थोड़ा लंबा चौड़ा है, वो बोर्ड भी ले लेगा और शायद वो दीवार वीवार भी ले लेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 14 अमित पढ़ना। बराबर, आपको एस्टिमेटेड कैश फ्लोज दिया हुआ है, आपको दिख रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो ईयर पे तीनों जगह पे 4 लाख ही है, उसके बाद क्या दिया एस्टिमेटेड। हाँ मतलब सर 5 साल के लिए क्या हो सकता है, या तो 1 लाख 10 हजार या तो 1 लाख 20 हजार। वो क्या बोला, एस्टिमेटेड नेट कैश फ्लो कैश इनफ्लो। पब्लिक तो मैं लिखता हूं एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, उन्होंने बोला है 1 लाख हो सकता है, 1 लाख 10 हजार हो सकता है, या 1 लाख 20 हजार हो सकता है, बराबर। ये तीन हो सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, बराबर। अच्छा उसके बाद उन्होंने सैलवेज भी दिया है मेरे को, सैलवेज कितना हो सकता है, तो मैं सैलवेज का अमाउंट देखूंगा 20, 50 और 60 हजार। मैं सैलवेज देखूं तो 20,000, 50,000 और 60,000 हो सकता है। ओके आगे 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कहीं पे जरा देखो आपको दिया है क्या डिस्काउंटिंग रेट सर, नहीं दिया है, तो सर अपन डिस्काउंटिंग रेट लेंगे। इधर कितने साल तक होगा ये, तो मैं लूंगा PVIFA 10% फॉर 5 ईयर्स। सुनो लेकिन सैलवेज तो एक ही बार आएगा, तो मैं सैलवेज में लूंगा PVIF 10% फॉर 5 ईयर्स। समझा क्या? तो आप मेरे को फैक्टर बताओ 10% फॉर 5 ईयर का, और फिर इंडिविजुअल वाला फैक्टर भी बताओ। तो पहले PVIF वाला बताओ 0.62 और फिर आप कर दो 3.7962 है ना। हाँ होल्ड ऑन, तो अभी आप ये प्रोजेक्ट में डालोगे तो आपको ईयरली कैश फ्लो ये मिलेगा और एक बार सैलवेज मिलेगा। सो आपको पीवीसीआई एक्सपेक्टेड वाला मिल सकता है ना, बराबर है? क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे 1 लाख × 3.79 प्लस 20,000 × 0.62 कितना 3,90,400। वैसे ही सेकेंड वाले पे और थर्ड वाले पे करो कितना है, सेकेंड वाले पे 4,50,000 बताओ ना भाई, 4,47,900 थर्ड वाले पे, पचास है 4,92,000 एवरीवन, बराबर है? होल्ड ऑन, हाँ क्या करने का आगे अभी देख।
एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने का है, मतलब अपने को पीवीसीओ भी दिया हुआ है, पीवीसीओ कितना दिया हुआ है 4 लाख है, वो तो सेम ही रहेगा, तो मैं 4 लाख मैं वापस से पीवीसीओ मैं अलग कर रहा हूँ क्यों, ताकि शायद मैं मेरे को वो वर्स्ट बेस्ट कुछ दिया हो तो मैं उसको यूज कर पाऊँ, तो मैं यहाँ पे एनपीवी निकालूंगा, एनपीवी यहाँ पे मेरे पास आएगा 8600 नेगेटिव बराबर 47,900 और 92,000, और अब मैं देखूंगा इसका प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है कितना है 0.2, तो मेरे को आ जाएगा क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी आप निकालोगे उसको मल्टीप्लाई कर करके तो यहां पे आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा। मैं यहां पे लिख नहीं रहा, आप पूरा लिखने का। हाँ, तो आपको एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा कितना 7 पॉजिटिव ना, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, यहां तक तो ठीक है बराबर है। अच्छा, तो ये अपने को उन्होंने पार्ट वन बोला था, ये पूरा चीज पार्ट वन किया। हाँ, अभी पार्ट टू, आपको बेस्ट केस और वर्स्ट केस, तो सर आप बेस्ट और वर्स्ट केस का एनपीवी का अमाउंट और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, बेस्ट एनपीवी कितना आ सकता है 92,000 और उसका चांस है कितना, मैं बोल सकता हूँ 20%, वर्स्ट आ सकता है 8600 नेगेटिव, उसका चांस है 30%, इजी राइट। हाँ, थर्ड वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो ये क्वेश्चन को, स्टार मार्क करो, जो कर सकते हो करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस, मैं लिख रहा हूं, उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस बराबर, प्रोबेबिलिटी आई विल रिपीट क्या लिखा है उन्होंने, अकर ऑफ वर्स्ट केस इफ द कैश फ्लोज आर परफेक्टली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसके अंदर दो चीज, इफ द कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट और दूसरे में इंडिपेंडेंट, इसके लिए समझना ये जरूरी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद है आपको फर्स्ट ईयर में कोई कैश फ्लो आ रहा था 25,000 का, उसके बाद वो सेकेंड ईयर में आपने कितना लिया था पहला वाला 12,000, 16,000 ना पहला क्या था, हाँ मैं पहले वाले बात की बात कर रहा हूं। अब ये 25,000 आने का कुछ चांस था, कितना चांस था 0.4 फर्स्ट ईयर में, और ये 12,000 आने का पॉइंट, तो ये पूरा इवेंट होने का चांस कितना था 0.08, 8%, ईयर वन और ईयर टू का मिलके बराबर। इधर यूनिक चीज क्या है, इधर यूनिक चीज ये है फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक पांचों 5 साल तक कैश फ्लो तो 1 लाख आने वाला है, एवरीवन एवरीवन क्या आने वाला है कैश फ्लो 1 लाख। अगर कैश फ्लो डिपेंडेंट है तो सिनेरियो क्या बनेगा सर, अगर कैश फ्लो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मतलब फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपया आएगा, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख रुपया आएगा, ऐसा थर्ड, ऐसा फोर्थ और ऐसा फिफ्थ, समझ रहे हो, 1-1 लाख रुपया या 1 लाख 10 या 1 लाख 20, अपन वर्स्ट केस पे फोकस करते हैं, वर्स्ट केस ये पहला वाला, पांचों 5 साल में 1 लाख आएगा, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालता हूं मैं हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अब उन्होंने क्या बोला, अगर डिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में आएगा तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आएगा, फर्स्ट ईयर में आने का 1 लाख आने का चांस कितना है सर, 1 लाख आने का चांस कितना है 0.3, तो सेकेंड ईयर में कंफर्म आएगा, थर्ड ईयर में कंफर्म, फोर्थ ईयर में कंफर्म, फिफ्थ ईयर में कंफर्म, क्योंकि डिपेंडेंट है, समझा क्या। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका इसका इन सब का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका 30% है और दोनों साल में लाख आए, उसका 30 और 30 क्या है 0.06% है, 0.09। अब ऐसा कोई इवेंट हो कि पांचों 5 बॉक्स में 1 लाख आए,
ऐसा इवेंट बहुत रेयर। इट्स लाइक यू नो हाउ कि मैं कोई गेम खेल रहा हूं जहां पे 10 नंबर आएंगे, वो गेम के अंदर 10 नंबर आता है ना, तो पहले में 10 आया और दूसरे चार बॉल भी उससे रिलेटेड है, तो इसमें 10 आया तो बाकी के चारों में आएगा। अब पहले 10 में आने का, पहले में ही 10 नंबर आने का चांस 30% है, तो बाकी चार का भी सेम कंफर्म आएगा। पहले बॉक्स में अगर 1 लाख आ गया डिपेंडेंट है तो बाकी में भी आ जाएगा ना, सो बाकी में तो कंफर्म आएगा, वो पहले बॉक्स में आने का चांस 30% है। तो ये पूरे इवेंट का चांस कितना है सर? पूरे इवेंट का चांस है 0.3 और आई शुड से 30%। लेकिन लेकिन पहले में अभी वो सब बॉक्स में कनेक्शन नहीं है, तो पहले बॉक्स में भी 1 लाख आया, दूसरे में भी 1 लाख, तीसरे में भी 1 लाख, ऐसा रेयर होगा। तो हर एक का इंडिपेंडेंट प्रोबेबल, जैसे इधर पहले में 25 है और दूसरे में 12 है तो आपने ज्वाइन प्रोबेबिलिटी निकाला, वैसे मैं इस सब का ज्वाइन प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। कैसे करूंगा? 0.3 raised to 5, 0.0 क्या आएगा बताना मेरे को, raised to 5 है 0. बोलो पब्लिक आंसर, 0024 और आई शुड से 0.243%। इतना रेयर चांस है कि ये सब जगह पे 5 लाख है, लाख लाख रुपए। समझा एवरीवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, राइट? क्यों मैंने 1 लिया पब्लिक, समझा? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आएगा उसका 30 है तो बाकी सब में कंफर्म आएगा, इसी को बोलते कैशलेस डिपेंडेंट। लेकिन 5 of 5 अनरिलेटेड है, तो हर एक बार 1 लाख आने का 30% चांस है, तो 5 of 5 बॉक्स में 1 लाख आने का रेयर चांस, दैट इज दिस। समझा पब्लिक एवरीवन? इसको जरा मैंने सॉल्यूशन में देखो जरा एवरीवन, एक्सप्लेन किया है, पढ़ना अमित क्या लिखा है, इफ कैश फ्लोज आर डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस में, सॉल्यूशन में डिपेंडेंट, हाँ, इट मींस फ्रॉम ईयर 2 आर डिपेंडेंट ऑन द प्रीसीडिंग ईयर, ईयर 1 मतलब दूसरे साल से लेके लास्ट ईयर तक के कैश फ्लोज पहले साल पे डिपेंडेंट है, तो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर इफ कैश फ्लो अकर्स इन ईयर 1 इट इज सर्टन दैट देयर विल बी कैश फ्लोज इन द फॉलोइंग ईयर्स, देयरफॉर कैश फ्लोज ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैव द प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 or 100%, सर्टन है वो। मिला क्या पब्लिक? तो पूरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 30% ही है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या लिखा, इन दिस केस ऑल द कैश फ्लोज हैव नो कोरिलेशन बिटवीन देम एंड देयरफॉर दे एक्ट इंडिविजुअली विद देयर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, इन दिस केस द प्रोबेबिलिटीज 0.243%, जो आपने बताया मेरे को। समझा पब्लिक? राइट, आगे क्या बोला है फिर? ये अपना हुआ क्या सर? ये अपना हुआ पार्ट 3। हाँ, बराबर, राइट। अच्छा, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और कोएफिशिएंट वेरिएशन निकालने का है, राइट? कंसीडरिंग कि आपके पास ये वाले एनपीवीज है पब्लिक, सो मेरे पास एनपीवीज, एनपीवीज में क्या क्या हो सकता है सर? 8600 नेगेटिव, 47,900 और 92,000, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी है ना कितना, 0.3, 0.5, 0.2, तो मैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब मैं इसी का वेटेड एवरेज निकालूंगा। एक्स बार निकालो सर, एक्स बार कितना है इसका? 39,770 और इसी का उन्होंने मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का है, तो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी करूंगा सर। सो मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालूंगा सर? इसी का कई जरा निकालो, यहां पे क्या करोगे, 8,600 नेगेटिव है, -39,770 वो जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर क्या कर रहे हो आप सर? एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू पी का समेशन कर रहे हो, फिर उसका स्क्वायर रूट मारोगे। समझ में आ रहा है ना पब्लिक? सो वैसे 8,600 नेगेटिव है, -39,770 प्लस हो जाएगा उसका स्क्वायर इनटू 0.3 m प्लस 47,900 -39,770 उसका स्क्वायर इनटू 0.5 m प्लस 92 -92,000 -39,770 का स्क्वायर 2.2 m प्लस एमआरसी और स्क्वायर रूट।
कितना 35785, राइट। तो मैं सीवी निकालूंगा, सीवी कैसे निकालता हूं, रिस्क अपॉन रिटर्न, तो मेरा रिस्क है 35785 अपॉन रिटर्न है 39770, हाँ कितना आता है पॉइंट 90, बराबर वन से कम है, मतलब एक रुपए के रिटर्न के लिए एक से कम रिस्क। एवरीवन राइट राइट। अभी जरा देख आगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्या पूछा है सामने। इज इन द रेंज ऑफ, हाँ अच्छा क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इट्स एवरेज प्रोजेक्ट विच इज इन द रेंज ऑफ 0.9521। कोएफिशिएंट का रेंज 95 से 1 में अगर हो तो क्या, रिस्की देन एवरेज। मतलब उन्होंने क्या बोला, जनरल एवरेज क्या है, जनरल एवरेज है 0.95 से 1 में है, आपका उससे ज्यादा या कम है, कम है मतलब अपना बेटर है सर, अपना बेटर है कि नहीं, तो रिस्की है या कम रिस्की अपना प्रोजेक्ट, कम रिस्की। आपने कितने से डिस्काउंट किया, 10% से, तो कम रिस्की है तो मेरे को कम रेट से डिस्काउंट करना चाहिए, हाँ, ज्यादा रेट से, एवरीवन कम रेट से करना चाहिए, तो क्या लिखा आगे, परफेक्ट। तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% है, जिसमें 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% कम कर देने का, अगर तुम्हारा ये रेंज कम आया तो, समझा, तो 9% पे डिस्काउंट करने का, हाँ तो क्या आगे क्या करने को बोला है, हाँ मतलब ऐसे पॉइंट पे अभी आप क्या करोगे, जो अभी आप बुक में लिख के करोगे क्या करोगे, पूरा ये प्रोजेक्ट करोगे एवरीवन, लेकिन 9% पे, ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड एनपीवी इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि सर 10% पे अगर इतना आ रहा है तो 9% पे तो ज्यादा ही आएगा। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन, 9% पे कैश फ्लो तो वही रहेगा, सिर्फ 9% के पीवीआईएफ और पीवीआईएफ फैक्टर ढूंढना। अब वहां पे 1 लाख इंटू पीवीआईएफ फैक्टर लोगे सबका, 1 लाख, 1.1 लाख और 1.2 लाख, क्या ले रहे हो पीवीआईएफ फैक्टर, 3.89 राइट। एक लाख 10 हजार, 1,20,000, 20,000, 50,000 और PVIF फैक्टर 6.5, तो आपका PVCI आया रहेगा वहां पे 0.9, मतलब 1 रुपए के रिटर्न के लिए 90 पैसा रिस्क। उन्होंने कंडीशन क्या रखा है कि एवरेज सीवी 95 से 1 है, बराबर 0.95 से 1, उसमें अगर नहीं है, उससे कम है रिस्क ये तुम्हारा जो अपना है, तो डिस्काउंटिंग भी कम रेट से करो। कितने से कम करो, उन्होंने बोला 100 बेसिस पॉइंट, 1% से कम। अभी मैंने 10% से किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका प्रोजेक्ट अगर कम रिस्क है तो कम रेट से डिस्काउंट करो, तो मैं इसीलिए इसको 9% से डिस्काउंट करके देख रहा हूं। अब ये 10% में भी एक्सेप्ट हो रहा था तो मैं यही बोल रहा था 9% पे तो होगा ही होगा, समझा। तो यहां पे आपका पीवीसीआई आया रहेगा सर कितना, पीवीसीआई एनीबडी, पहले वाले का 4,02,000,
60,400, 5,000, तो आपका एनपीवी यहाँ पे 2,000, 60,400 और 1,05,800 ना, राइट. इसका प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0.5 और 0.2. सब एनपीवी पॉजिटिव ही है. तो ये आपका पीवी, आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना, 51,960 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. राइट. स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं निकालना है उधर, स्टैंडर्ड डिवीजन गड़बड़ है. नहीं, उन्होंने बोला है आपको शुड द प्रोजेक्ट भी एक्सेप्टेड, नहीं बस उतना आपका पॉजिटिव आएगा एक्सेप्ट. वो इसके लिए करना था ना, वो रेंज करके ही तो मैंने 9% पे किया. अब उसमें वापस क्यों रेंज निकालने का. उन्होंने बोला कि आप देखो आपका एवरेज से कम है ना, तो आपने जो 10% से किया था उससे मत करो, ऐसा उन्होंने बोला. तो मैं भी कम रेट से करूंगा. राइट. इंपॉर्टेंट सम, डेफिनेटली यू शुड डू दिस इन एग्जाम, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस सम का भी कवरेज हो जाता है. कैसा कैसा नाम रख लेते हैं कुछ पता नहीं. एक लड़के ने प्रेसिडेंट को मारने का धमकी दिया था, उसका नाम सुलभ था. उसने लेटर लिखा था प्रेसिडेंट को, सुलभ. तो बिकॉज एवरीवन वाज टीजिंग हिम बिकॉज ऑफ दैट सुलभ शौचालय, सो दे चेंज दैट नेम. नाउ यू वोंट फाइंड दैट एज सुलभ शौचालय. सो दे थॉट दैट इट्स रियली नॉट गुड विद, मतलब वो लड़के ने ऐसे गुस्से में आके प्रेसिडेंट को ऐसे बोल दिया रहेगा एंड ऑल, लेटर वेटर लिखे कि मेरे को सब चिढ़ा रहे एंड ऑल. सो आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट गवर्नमेंट टुक दिस थिंग एज सीरियसली एंड चेंज्ड इट. बट सो वट एवर इट वॉज दे चेंज्ड इट, दैट वॉज अ गुड थिंग. सो इट टेक्स गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी था दैट दे चेंज्ड इट. वैसे ही जो पहले ये बोलते थे ना अपन, जो हैंडीकैप्ड है वो डिसेबल्ड बोलते थे. तो नाउ यू नो दैट दे चेंज दैट नेम, दिव्यांग एंड ऑल, और इंग्लिश में भी डिफरेंटली एबल्ड. सो दैट सच अ पॉजिटिव थिंग. डिसेबल्ड से डिफरेंटली एबल्ड, नाइस. चलो ओके. कितना जान बचा है तुम्हारे में और कितना बैटरी कितना बचा है बताओ मेरे को, उस हिसाब से मैं करता हूं. हाँ, नेगेटिव 10%. वाह, फुल चार्ज है तुम्हारा. परसेंटेज बताओ, मैं उस हिसाब से उतना प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज करता हूं मैं उस हिसाब से. वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा है मेरे दिमाग में. अरे यार, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम सोच रहे हो क्या. वाह, कल का जाने दो. अब भी कितना बैटरी है फटाक से बोल, कितना बैटरी परसेंटेज है ना. अरे एक सम अभी एक सम ही इधर डालूंगा ना, उसी में बैटरी जो बचा हुआ रहेगा. ओके. चलो एवरीवन कम टू दिस क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर आपने 14, 11th और 14 ना, 12th पे आ जाओ एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन नंबर अनिल पढ़ना 12th. हम्म,
1 lakh. Everyone, a sum of a form of investment consultants. सर अब अपने आप को एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सोचना, ये वाले सब में आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हो क्या आप मैडम? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट पहले नहीं चाहते थे ना, अभी चाहते हो? ओके, तो आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हो, आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? अभी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का सजेशन दे रहे हो फॉर 2 ईयर्स, राइट? तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के माफिक सोचना, सम करने के लिए मैथमेटिकली मत सोचना, वरना नहीं कर पाओगे आगे. शॉर्ट लिस्टेड, वो गुजराती में हो गया शॉर्ट लिस्टेड, तो दैट इज शॉर्ट लिस्टेड. एवरीवन, दो ऑप्शन एक सेकेंड एवरीवन, ऑप्शन ए एक सेकेंड ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. ऑप्शन ए में उन्होंने बोला है क्या क्या रिटर्न हो सकता है, 8, 10 और 12% हो सकता है. पब्लिक जरा ध्यान देना, 8%, 10% और 12% ये हो सकता है ऑप्शन ए के अंदर, बराबर? हाँ. बराबर, ईयर वन और ईयर टू के कैश फ्लोज या रिटर्न्स के बीच में रिलेशन है. मतलब क्या, ईयर वन और ईयर टू डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. आगे, ओके, तो ईयर वन में 8% आया, तो ईयर टू में क्या क्या आ सकता है सर? ईयर टू में दिया है उन्होंने कुछ, ईयर टू में भी आ सकता है सर 8, 10 और 10, 12. जरा ध्यान देना पब्लिक, 8, 10 और 12. ऑल राइट, 8, 10 और 12, ऐसा उन्होंने हर एक पॉइंट पे बोला है, 8, 10 और 12, राइट? सेम गोज विथ 12%, 8, 10 और 12. ये सिनारियो हो सकता है, और ये सब सिनारियो को उन्होंने रिस्पेक्टिव अपने को प्रोबेबिलिटीज भी दिया हुआ है, बराबर एवरीवन? अब अच्छे से टेबल को देखना पब्लिक, और आप अच्छे से वहां पे रिस्पेक्टिव 8% के सामने, 10 और 12 के सामने क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखना. हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर में 8% आएगा, तो सेकेंड ईयर में भी 8 आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है सर? 0.6, फिर 8 और 10 का 0.3, तो ये होना चाहिए 0.1, पूरे इवेंट का 1 होना चाहिए ध्यान रखने का. फर्स्ट ईयर में 10 आएगा, फिर सेकेंड ईयर में 8 आएगा, उसका 0.2, 0.5, तो 0.3, और इसका 12 आएगा तो 0.2 और 0.7. आगे, ईयर वन, एक सेकेंड, ईयर वन मतलब ये ईयर वन का है और ये सब ईयर टू का है. ओके, हाँ. इक्वली लाइकली मतलब ये सबका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3. एवरीवन, इक्वली लाइकली, हाँ. एक सेकेंड, ऑप्शन बी का सर्टन रिटर्न है 9.5% पर ईयर, हाँ, फॉर मतलब दोनों साल के लिए सर्टन, सर्टन मतलब 9.5 आएगा उसका प्रोबेबिलिटी 100, और सेकेंड ईयर में भी आएगा उसका 100. ओके, विच ऑप्शन इज प्रिफरेबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन, राइट एवरीवन? ओके, जरा एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सोचना, आपके पास क्या क्या चॉइस है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? एवरीवन, सो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना. मैं अगर ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मैं सिर्फ सम के हिसाब से सम करूंगा, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं पहले दोनों साल ऑप्शन ए में मैं डालूंगा, तो पहले साल पे भी कुछ रिटर्न आएगा, दूसरे साल पे भी आएगा. कितना पाथ जनरेट हो रहा है जरा दिख रहा है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
सो जरा यहां पे ध्यान देना पब्लिक, मैं करूंगा यहां पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर कितना, फर्स्ट वाले पाथ के अंदर मैं ये 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं सर, ये 1 लाख, 1 2 3 4 5 6 कितना पाथ बोल बताया आपने मेरे को, राइट? फर्स्ट ईयर में कितना रिटर्न आएगा 1.08, तो सेकेंड ईयर में आएगा कितना 1.08, ये एक पाथ हुआ। वैसे फर्स्ट ईयर में 1.08 पे तीन पाथ हो रहे हैं, जहां पे 1.10, 1.12 आएगा, बराबर पब्लिक? अब 1.10 बराबर सेकेंड वाले ये रूट पे, जहां पे 1.08, 1.10, 1.12, एवरीवन यहां पे 1.12 बराबर तीन डायरेक्शन में, और 1.08, 1.10 और 1.12, तो 1 लाख का मैं क्या निकल रहा हूं सबका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, समझ रहा है क्या? प्रेजेंट वैल्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं देखना चाहता हूं मैक्सिमम वैल्यू किधर बनेगा, समझ रहे हो क्या? आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, आप 1 लाख रुपए आज डाल के वैल्यू आगे जाके कितना होगा ये देख रहे हो, तो जरा आप मेरे को बता सकते हो वैल्यू कितना होगा सर इधर? ये कितना पहले वाले का 1.16640, हाँ होल्ड ऑन, अभी आप 1.08 इंटू 1.1 इंटू 1 लाख, ये वाला कितना करोगे 1.18800, रुक जाओ, ये इधर भी यही वैलिड 1.18800, जरा दिख रहा है बराबर ना, काय को डबल मेहनत करने का, तो वैसे अभी आप जो भी बताओगे उसका 2 बार शायद हो सकता है, हाँ 1.2960, अभी 8 और 12 1.20960, समझा क्या? हाँ 1,21,000, हाँ अभी 10 और 12 वाला, $123,200, जो मैं इधर लिख लूंगा लास्ट में, यहां पे 123,200 इधर भी लिख लूंगा, तो ये 12, 125, एवरीवन राइट? और ये सब होने का मैं करूंगा क्या, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, एवरीवन उसके बेस पे मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू, जो मेरे लिए वेटेड एवरेज बनेगा, दैट विल बी माय वैल्यू बाय इन्वेस्टिंग इन दिस ऑप्शन, बराबर है? सो अभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैं कैसे करूंगा, इसका 1/3 × 0.6, राइट? लेकिन जरा ना सबका राउंड ऑफ नहीं आएगा, तो इसके लिए आप इसको 2 या 3 डेसिमल, कहीं पे उन्होंने आपको बोला नहीं रहेगा तो आप 2-2 डेसिमल कर सकते हो, तो वहां पे 1/3 × 0.6 मतलब मैं लिखूंगा 0.20 और इससे मल्टीप्लाई करके एम प्लस में डालते रहना, समझा क्या? वैसे सेकेंड वाले का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या करोगे, 1/3 × 0.10 इससे मल्टीप्लाई करके एम प्लस में 0.03, अभी वो 333 रहेगा, आप ऑन बटन प्रेस कर देना सर 1.2960 से 0.07, फिर 0.17, 0.01, ये 0.1 सॉरी 0.1, 0.1 फिर 0.03, 0.07, 0.1, एक बार जरा टोटल मार के देख लेना, नहीं नहीं इसका टोटल मार देना पहले, 1 हो रहा है कि नहीं, ये 10, ये 10 और ये 10, हाँ बराबर 1 हो रहा है, 1.21 राउंड ऑफ करो कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो, राउंडेड ऑफ 1.147, ये फ्यूचर वैल्यू एक्सपेक्टेड वाला, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जिधर मैक्सिमम वैल्यू हो वो,
बराबर पब्लिक। हाँ अभी जरा ध्यान देना पब्लिक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास। उसमें कितना रूट निकलेगा सर? एक ही रूट निकलेगा, 1 लाख × 1.095 × 1.095, और उसका जॉइन प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 100% है, तो वो उसमें कितना बनेगा जरा बताओ मेरे को। डबल 1 डबल 9 03, 9 03 बराबर है एवरीवन। अब इंटरेस्टिंग चीज ध्यान देना, ये ऑप्शन ए और बी, आप इन्वेस्टर हो ना, तो आप एक स्टेप आगे जाओ और बताओ ये कौन सा एसेट क्लास है। बी कौन सा एसेट है? डेट, फिक्स रिटर्न, ये डेट है। और एक स्टेप आगे जाओ तो ये ऑप्शन ए क्या है? इक्विटी हो सकता है ना, कंपनी ने ये साल अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा तो नेक्स्ट ईयर भी करेगा, ऐसा सोचना चाहिए आपने। एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मैं अपने रेफरेंस के लिए लिखता हूं, ये इक्विटी है, ये डेट है, इसके लिए तो सेम रिटर्न आया। यहां पे सम खत्म हो गया, इंस्टीट्यूट के लिए भी सम खत्म हो गया। भाई आपके पेपर्स में सम है भी नहीं शायद अभी, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सम। ये क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कंसल्टेंट की तरह ही सोचना पड़ा। अब मेरी बात अच्छे से सुनो, मैंने ये पहला वाला ऑप्शन क्या किया, मैंने दोनों साल इक्विटी में इन्वेस्ट किया, दूसरे ऑप्शन में मैंने दोनों साल डेट में इन्वेस्टमेंट किया, ऑप्शन बी के अंदर। कुछ और भी कर सकता हूं मैं यहां पे दो, क्या मैं पहले साल डेट में इन्वेस्टमेंट करके दूसरे साल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? कर सकता हूं क्या? पता नहीं। क्या पहले साल इक्विटी में डाल के दूसरे साल इक्विटी में ना डाल के मैं डेट में डाल सकता हूं क्या? मैं डेट में डाल सकता हूं क्या? यस, पहले साल इक्विटी में डालू तो कितना मिलेगा? 8%। दूसरे साल इक्विटी में डालू ही नहीं और इधर से एक नया रूट ले लू, मैं डेट में डालू जहां पे मेरे को कंफर्म 9.5% मिलेगा। आई कैन डू द सेम विथ दीज थिंग्स ऑल्सो, मैं निकाल दू इसमें से। कैन आई डू दैट प्रैक्टिकली? यस आई कैन डू दैट। क्या क्रिएट कर रहा हूं मैं क्रिएट कर रहा हूं ऑप्शन 3, विच इज क्या? इन्वेस्टमेंट इन ए फॉर फर्स्ट ईयर इक्विटी एंड देन डेट इन सेकेंड ईयर। सो क्या होगा मेरा कैश फ्लो? मेरा कैश फ्लो होगा 1 लाख, तीन रूट बनेंगे, 1 लाख × 1.08, 1.10 × 1.12, लेकिन फिर सेकेंड ईयर में 1.095 सर्टन। समझा एवरीवन? वो जो सिनारियो आएगा, वो जो आपके पास कैश फ्लो आएगा, कितना आएगा जरा बताओ मेरे को, फ्यूचर वैल्यू कितना आएगा? वन वन 8260, 120, हाँ 450, 6 4 1 2 2 6 4 0। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर? पहले साल में 1/3 और दूसरे साल में 9.5 आने का 100%। सो दिस विल बी 1/3 1/3 1/3, आई गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू, इनका वेटेड एवरेज करूंगा सिंपल, तो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा एक्सपेक्टेड का। समझ रहे हो क्या पब्लिक? ये भी पॉसिबल है, राइट? 1 2 0, राइट? फिर भी अपना अभी ऑप्शन कौन सा बेटर आ रहा है? ए बी ही बेटर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मैक्सिमम वैल्यू जिधर बनेगा वो। माय क्वेश्चन इज, ऑप्शन बी ए पॉसिबल? मतलब आप पहले साल डेट में डालो 9.5% मिलेगा, दूसरे साल इक्विटी में डालो कितना मिलेगा? 8 10 12 दिख रहा है ऐसा, लेकिन उसका कुछ चांस है क्या? और इधर से इधर कुछ रिलेशन भी है क्या? नहीं। समझा क्या? तो इस डेट से इक्विटी में जाना पॉसिबल नहीं है,
इक्विटी में ये रिटर्न आ सकता है क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी दिया बेस्ड ऑन ये आया तो, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए बी पॉसिबल है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है। यहां पे तो कोइंसिडेंटली चलो ये ऑप्शन इज नॉट फ्रूटिफाइंग क्योंकि अपना एग्जिस्टिंग ऑप्शन ही बेटर है, बट दिस इज ऑल्सो गुड चॉइस। या आप एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सोचो ये फिगर्स के बाहर निकल के तो ये समझे। अंडरस्टूड? जरा देखो सम के नीचे मैंने नोट लिखा है, कंक्लूजन, सिंस द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज हायर इन ऑप्शन ए ए डबल ए, वी एडवाइज टू इन्वेस्ट इन ऑप्शन ए फॉर बोथ द इयर्स। मिला पब्लिक? कंक्लूजन मैंने नोट लिखा है, क्या लिखा है नोट? वी कैन ऑल्सो कंसिडर ऑप्शन ए बी फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन ए फॉर फर्स्ट ईयर एंड ऑप्शन बी फॉर सेकेंड ईयर। हाउएवर ऑप्शन बी ए इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी ए क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट इन बी फॉर फर्स्ट ईयर एंड ए फॉर सेकेंड ईयर, बिकॉज रिटर्न बिटवीन बी एंड ए आर नॉट कोरिलेटेड एंड नीदर, आपको चाहिए तो वहां पर लिख सकते हो, एंड नीदर द प्रोबेबिलिटी इज गिवन फॉर द सेम, नीदर द प्रोबेबिलिटी इज गिवन फॉर द सेम। ना आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है उस चीज का, ना आपको बोला गया है कि वो दोनों कनेक्टेड है। ये वाला मैं ऑप्शन ए भी कर सकता हूं, मतलब मैं पहले साल में ए में इन्वेस्ट करूं दूसरे साल में निकाल दूं, लेकिन मैं बी ए नहीं कर सकता। अंडरस्टूड एवरीवन? राइट, दिस इज डिसीजन ट्री। अब ये डिसीजन ट्री पे अपने को एक और सम करने का है डेंजरस वाला, जो अपन कल करते हैं, लेकिन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है सेंसिटिविटी एनालिसिस, वो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिख रहा है आपको, वो अपन करेंगे, तब जाके अपना रिस्क एनालिसिस खत्म, लीजिंग स्टार्ट। लीजिंग में अपन जो वहां पे आपको सम दिख रहा है उसमें से एक सम में एरर है, वो वहां पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला आपको चाहिए तो लिख सकते हो वहां पे, इट्स एन एरर लीजिंग में, क्वेश्चन नंबर 6 वाला एरर वाला सम, ठीक है? अच्छा, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल इज अ 15 मिनट ऑफ योर टाइम वंस यू ऑल कम टुमारो, एंड आपको सेगमेंट 1 में जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने दिया है उसके अंदर एन्यूटी वाला, खास करके पीवीआईएफ पीवीआईएफ ए वाला जो बिगिनिंग और एंडिंग वाला है वो अच्छे से करके आना। पूरा लीजिंग जो है ना, टाइम वैल्यू आपका कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि फिर वहां पे जब मैं लीजिंग की वैरायटीज कराऊंगा और वहां पे अगर आप टाइम वैल्यू कैलकुलेशन में अटके हो कि इक्वेशन कैसे बना, तो लीजिंग में नया चीज क्या है वो भूल जाओगे, क्योंकि लीजिंग में उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा तकलीफ है जो भर भर के एरर है आपके पीएम में। सो पूरे पीएम में अगर सबसे ज्यादा एरर किधर अगर है मेरे हिसाब से, या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं पे है तो वो है लीजिंग। तो लीजिंग में वो एरर पे मेरे को आपको क्लेरिफिकेशन देना है, लेकिन तब आप वो कैलकुलेशन कैसे आया कैसे आया उस पर ना अटको, इसके लिए आप पीवीआईएफ ए वो एफईआईएफ ए वाला जो अपना एन्यूटी वाला है टाइम वैल्यू आपके जो नोट्स में है उसमें एक बार रेफर करना अच्छे से, ठीक है? राइट, मिलते हैं कल।